बड़ा कजर है। यार अंकल जी ये हाई बाद में कर लेना यार, पहले काम पे ध्यान दे दो। काम की चीज कहाँ छुपा के रखी है? वो पीछे से तीसरे रैक में है। यार ये बंदर भी ना कितने शैतान होते हैं, एक अंग्रेजन के कुल्हे पे थप्पड़ मार के भाग गया। ये लो अंकल जी भाग। ये लो, थैंक यू। माउथ फ्रेशनर भी ले ले। लव यू टू अंकल जी। ओए आराम से करियो, जल्दी का काम तो शैतान का होता है। दुम्पा, 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 दुम्पा। अच्छा कब से वेट कर रही हूँ तेरा। तू फैमिली पे क्यों जा रहे हो? जो बोल रहे हैं मुझे बोलो ना। फैमिली? कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं तू? हैं? तेरी माँ के बारे में साड़ी किसी को पता नहीं आज तक, जाके पूछ अपने बाप से किसका फैलावा गंद है तू। तेरी अंकल जी रिलैक्स। मरे हुए भी क्यों जा रहे हो? बोल तो मैं भी बहुत कुछ सकता हूँ आपके बारे में, बट आई लव योर डॉटर इसलिए सुन रहा हूँ मैं आपकी इतनी। बहुत फिल्में बढ़ा ली ना उसने, कौन थी उसकी हीरोइन और कौन थी तेरी माँ? जो गोरी चमड़ी है ना तेरी, इसको काला कर, निकल यहाँ से। नंगा है तू, नंगा है तेरा खानदान, नंगा ही जाएगा तू यहाँ से। बहुत कर ली रैपिंग पापा जी, आज कोई बहाना नहीं चलेगा। नंगा क्यों घूम रहा है तू? कौन है मेरी माँ और आपकी पिक्चर की हीरोइन? जाके कुछ पहन। सच सच बता रहे हो या नहीं? इसको नीचे रख। इनमें से कौन है मेरी मम्मी? तू पागल हो गया क्या? तब बता ले क्या? और क्या छुपा रहे हो आप? पापा जी बाहर तू। अबे नंगा ही सही, घर तो आ गया तू, कोई और होता ना तू छोड़ता नहीं उसे, मेरी वजह से बचा है तू। बचा नहीं हूँ, फंसा हूँ, और ये भी आप लोग की वजह से। आप लोग की पास के चक्कर में ना मेरी प्रेजेंट की लगी हुई है। और ये डीवीडी का क्या सीन है? ये मम्मी है क्या आपके साथ फोटो में? बताओ ना। मैं सोच रहा था कल तेरा बर्थडे है ना, तो बर्थडे भी बताता हूँ तेरे को मैं। अब नहीं, अब भी बताओ मुझे कौन है ये। चल सुन फिर। ये है मैक। मतलब ऐसा समझ ले जैसे पहाड़ों में सुर्ख धुंध हो, ओस की एक बूंद हो। पापा जी ये कवि सम्मेलन फिर कभी करेंगे, आप शॉर्ट में बताओ ना, शॉर्ट में। अबे इमोशन नाम की भी कोई चीज होती है, मतलब बिना घी के परांठे कैसे दे दूं तुझे मैं? तो फिर डालो घी डालो, और आप एक काम करो मक्खन भी डाल दो, पर छेती करो यार। जल्दी जल्दी में ना बस पेट भरता है, स्वाद है ना जो वो धीरे धीरे आता है, और ऐसे ही धीरे धीरे महक मेरी लाइफ में आ गई थी। और चल फ्लैशबैक में। वैसे बात थोड़ी पुरानी है, पर अभी भी मेरे दिमाग की हार्ड डिस्क में ना ताजे हवा की झोंके की तरह एकदम फ्रेश है, एकदम DDLJ की तरह। दिल वाले दुल्हनिया ले जाने के लिए तैयार थे, महक मेरी सिमरन थी और मैं उसका राज। भाई भाभी अब बड़ी टच नहीं लगते थे पहले। अबे तो अभी कौन सा कम है तेरा बाप है यार,
आगे बढ़ो आप। थोड़ी बुरी बात होती है थोगी भाई, देखो ना भाभी कितनी टेंशन में लग रही है, तुत्ते ते बहुत प्यार करती है ना बेचारा तुत्ता। तू ना अनपढ़ वाली बातें मत किया कर, कुत्ता नहीं है ये, देख नहीं रहा उधर नवाब लिखा है, नवाब नाम है उस कुत्ते का, ला दे। चल बेटे टल के बस की तो है नहीं, अब तू ही करा दे मेरी सेटिंग। चल चल तू ठीक है, बाय। चल बाय। हाय नवाब, कहाँ चला गया था तू? बैड बॉय। सौगी तुझे ये कहाँ मिला? मिला नहीं, तू लाया है। क्या? उठाया है बोल रहा है ये ना, यहीं पीछे वाली गली में घूम रहा था बेचारा, बहुत डरा हुआ था तो मैं घर ले आया, मेरे को नहीं पता था तेरा है वरना मैं तेरे को देने आ जाता। थैंक यू सो मच सौगी, तूने ना उस दिन भी मेरी हेल्प की थी और आज भी, तू ना बहुत स्वीट है यार। कोई ना छोड़ हेल्प हेल्प, और बता हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ लड़की, तू सुना क्या हालचाल? मैं भी एकदम सेम टू सेम ही हूँ। एंता मैं सेम टू सेम तो नहीं लग रहा है तू, स्मार्ट हो गया पहले से, और ये बॉडी शॉडी भी बना ली तूने ऋतिक वाली टाइप्स, जिम विम जाता है क्या? नहीं जिम विम नहीं, बस घर पे ही कर लेता हूँ थोड़ा बहुत डंड शंड। क्यों गर्लफ्रेंड इतना बिजी रखती है तुझे? नहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है कोई मेरी, कोई तेरी ऐसे मिले नहीं ना। क्या कुछ नहीं, और बता क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? बस अभी बिजनेस खुला सीडियो का, हिंदी इंग्लिश सारा कलेक्शन है। अच्छा जी, तो मुझे कब दिखा रहा है ये पिक्चर? कल ना तो मुझे वो इंग्लिश वाली लव स्टोरी ला दियो, वो कौन सी यार जिसमें वो शिप है और वो हीरो मर जाता है, वो कौन सी लव स्टोरी है? टाइटैनिक। तू उसकी सीडी ला दियो हाँ, और मिलते रह कर यार। चल मैं निकलती हूँ, बाय एंड थैंक यू सो मच यार नवाब को वापस लाने के लिए, बाय 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 दीदी। यार कब होगा ये? कल पहले थाम होगी फिर लात होगी फिर हो जा तल। अबे चल तूने कम बोला कर, कहीं भी बीच में घुस जाता है। आए आए वेले लीती लो तन 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 तन। तेरी बाऊजी प्रेम, प्रेम सिंह बरनाला। बाऊजी तो बड़े हैंडसम लग रहे हैं। हाँ यही तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरा बाप कुछ ज्यादा ही हैंडसम था। चल आगे देख। कर क्या रहे हो आप यार, ये कोई टाइम है बर्जिश करने का? नहीं ये तो होली खेलने का टाइम है ना, ये ना आपकी फौज नहीं है, जो सब आपके टाइम टेबल के हिसाब से होगा। यार तू कौन सा टाइम टेबल फॉलो कर लेता, कुछ कर लेता आज फौज में बड़ा अफसर होता। तो आपने कौन सा फॉलो करके अर्नोल्ड सुभाषनगर बन गए? कौन बन गए? उसको छोड़ो या ना, लोगों को और भी काम होते हैं, आपकी तरह थोड़ी रिटायरमेंट के बाद कोई काम ही नहीं है। अच्छा वैसे आपको क्या लगा मैं क्या कर रहा था? वो जब दिमाग में गंद भरा हो ना तो सारा कुछ गंदा ही नजर आता है। और ये जो गंद फैलाया इसका क्या? उस ठीक है ना, सारा टाइम टेचे टेचे टेचे, सवेरे सवेरे उठना होता यार, रूटीन ही खराब होना चाहिए। कैरी ऑन। सही बात है। यार बीजी परौंठे ले आओ यार, भूख लगी है, एक्सरसाइज कर करके थक गए यार। आई इतना ही गर्म चाहिए था ना तुझे? ये करता है चिमटे से इसकी नाक नोच दो, ना कुछ करता है ना कुछ पढ़ता है, घर पे रहता है। और ये है हमारी बीजी ऑल इन वन, मूड के इनका कुछ नहीं पता, एक वर्ड में बिजार है बीजी, चाहे कुछ भी हो अपना यार है बीजी। यार क्या करते रहते हो यार बीजी? वही जो तू अपने पुत्र के साथ करता है। और मैंने क्या किया है? यही तो, तूने कुछ किया ही नहीं, पहले फौज सी हुण मौज है, सुबह से लेकर शाम तक रूटीन फॉलो करता है, इतने बजे उठना है इतने बजे खाना है फिर सो जाना है। मैनू तो कदे कदे शक पैंदा है कि तो पिछौर वाले पिछौरी दे औलाद नहीं। क्या वो बंदा भी ना रूटीन का पक्का था, दुनिया इधर की उधर हो जाए रोज टाइम पर मुझे ताड़ने छत पर आ ही जाता था। किस तरह की गल्ला करते रहते हो यार बीजी, सारा टाइम नाम शनाम बोलते रहते हो यार। तेरे साथ और कैसी बातें करूं, बाप का तो एक भी गुण नहीं आया तेरे में,
निठल्ला घर में बैठा रहता है। मैं देख 70 साल की उम्र में आज भी लोगों के रिश्ते करवाती हूँ। ओए तू मेरी थोड़ी मदद कर दिया कर, क्या पता तेरी भी दोबारा शादी हो जाए। उस हॉकी को देख कितनी मेहनत करता है बेचारा। दे दे भाई दे दे, 4 देसी और 4 फार्मी अंडे दे दे। और अंकल जी क्वालिटी सही आ रही है सीडियो की? और बढ़िया चल रहा है, तू तो हमारी मौजें करवा रहा है, मौजें। अभी क्या हो गया तेरे पैर पे? कुछ नहीं, वो क्यूट से पप्पी को बचाते बचाते स्कूटर पड़ गया। वो स्कूटर तो ठीक है ना? ठीक है यार आपका स्कूटर। स्कूटर ना हो गया क्या ही हो गया। जल्दी बिस्किट कितने दिन लाए? 2 बिस्किट तुझे। और जय जुबेदार। वेरी गुड सिद्धू साहब। खुश रहा पुत्र, आगे कितना? ओके भाई हाथ की टक्कल में। चुप ओए। ये अपने सिद्धू साहब पापा जी के बेस्ट फ्रेंड है। शादी के बाद के ना सारे मजे किए सिद्धू ने, बस शादी ही नहीं की। मूड क्यों खराब कितना होया? ओ यार बीजी सही कहंदे ने, सारा टाइम तो मैं फौज में था, अपने घर के लिए फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं निकाल सका। यार मन किदा करेगा, मन खुश होगा तभी तो कुछ करेगा ना। अब भाभी जी को गए कितने साल हो गए और तुसे हाले भी उदास बैठे हो। यार कितनी बार कहा है अरोड़ा दे फार्म हाउस ते चलते हैं यार, ते मौजा शौजा करांगे, उते जाके ते जन्नत दे दरवाजे खुल जाते ने। बस कर यार तू, सारा टाइम ओही होना ऑप्शन आप गल्ला। चलो टाइम हो गया सैर दा, चलिए। कदी दे मान जाया कर मेरी गल्ल। यार सिद्धू साहब चलो चलिए। यार यार तेरा कुछ नहीं हो सकता, फोन रख। ये है मेरा दोस्त मिक्का, कमीना भी और स्वीट भी। इसके हिसाब से बाकी कुछ भी कम हो जाए पर टशन में कमी नहीं होनी चाहिए। काहेला मचा रहा है इतना? खेल चुलाए खाला था क्या फ्रिज से? कब से बेल बजा लाऊं? क्या काम है? मैक दीदी ने थीदी मंगाई है। ला मुझे दे दे। चेक कराने को बोला है। चेक कराने के लिए बोला है? हाँ। ऊपर जाके पहला वाला रूम है। नवाब साहब बोल मुझे तलने हैं, तलने तो तलने तो। अच्छा अब तू जा, अगर मामा आ गए ना तू जा भी नहीं पाएगा। जान बूझ के नहीं हंस रहा, निकल रही है। वैसे हो गया आपकी प्रेम कहानी का दी एंड? अभी तो कहानी शुरू हुई है, ले अंडे बना। बंदा कौन था? गाड़ी वाला था क्या? जब चुट्टल ने आपको बताया तो क्या हुआ बताओ ना। तुम आजकल के बच्चे भी ना बड़ी जल्दी हिम्मत हार जाते हो। अरे पूरे 1 साल तक घुमाया था पिशोरी ने मुझे अपने साथ, पर तुम्हारे बाऊ जी ने हार नहीं मानी। पता जीत किसकी हुई? अरे खोते तेरे बाऊ जी की। और फिर पिशोरी का क्या हुआ? मुझे पिशोरी बनना है कि बाऊ जी बनना है? बाऊ जी। सुन आगे क्या करना है। पॉपकॉर्न देना। तेरी को पता है क्या? अभी तेरी हवा निकालता हूँ रुक।
हाँ भाई, क्या हो भाई? क्या हाल चाल? क्या हो भाई, कौन हो तुम? निकल गई आवाज, निकल गई, चलो अब निकले। क्या अच्छा नो गोल्डी? हाँ, ये टायर पंचर हो गया। व्हाट? अबे इसको क्या हुआ, अभी तक तो ठीक था। शिट, अब रिक्शा लेना पड़ेगा। रुक रुक, मैं कुछ करता हूँ, रुक। मेरे बाल खराब हो जाएंगे। सॉगी, एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आधे इतना पंगा हो गया। सुन, तुझे ये पैर में क्या हो गया? वो कुछ नहीं, स्कूटर की किक ने बैक मार दी। तुम मेरी छोड़, अपनी प्रॉब्लम बता। यार ये ना, ये टायर पंच हो गया, मुझे लाजपत नगर जाना है, बहुत अर्जेंट है। मैं भी वहीं जा रहा था, तू बोलेगी तो छोड़ दूंगा, बाकी तेरी मर्जी है। सच्ची? मुच्ची। अच्छा गोली सुन, ये टायर ठीक हो जाए ना, तू लाजपत आ जाइयो। ठीक है, मुझे पहुंच के कॉल कर दियो। हाँ, हाँ, कर दूंगी। तू कल सीडी देने नहीं आया? आया तो था छुट्टल जाम को, अब पहले से कोई एडल्ट पिक्चर चल रही थी। कम से कम रूम का तो दरवाजा बंद कर लिया करो, आ नहीं तो। ओ अच्छा सुन, चिस्की खाएगा, लाजपत नगर में मस्त मिलती है, लिक लिक चिस्की। खाएगा, चल ना यार, चलो दो दे दो भैया। अभी लीजिए। नहीं होए, एक लगाइयो, निकलना है मैंने। ले ले यार, इतना टाइम नहीं लगेगा। लीजिए, अभी ले लीजिए भाई साहब, एकदम जूसी है, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे कसम से। ओए रखो ये अपना जूसी। कैसी आपकी मर्जी। चल, लेट हो रहा हूँ मैं, आ ही रहा होगा तेरा गोल्डी। तो छुट्टल ने सब देख लिया? भाई है वो मेरा। भाई है? इधर आना। मासी का लड़का, और जिसे कल छुट्टल ने देखा ना, वो मैंने मेरी फ्रेंड पारुल थी, जो अपने प्ले के रिहर्सल्स करी थी। एंड आई एम श्योर, मतलब ये छुट्टल ने ना देखा का मतलब बताया ज्यादा है। और तू भी ना बच्चे की बात में गया। स्टूपिड। नहीं नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। ओ भाई एक लगा दे जूसी वाला। अभी लीजिए साहब। छुट्टल की तो सॉरी यार। बेटर। मैं भी ना, वैसे तेरे उधर रिहर्सल होती रहती है? हाँ। अच्छा, तो कभी तुझे रिहर्सल करनी हो तो बता दियो, फटाक से आ जाऊंगा। अच्छा जी, ये ले चुस्की। सीता हरण। भाभी राम राम। ओ तेरी, आपके कहानी के भी विलन रूही के पापा ही थे? पिस्सू, पिस्सू नाम है बैंड दे टके का, वो इतनी जितना डिजर्व नहीं करता, बैंड दा टका। रूही के पापा? ए? नहीं, बैंड तो करा देता भाभी से, तू बिना यार मतलब। अब गोल्डी आ गया, तू घर आ जाइयो सीढ़ी देने, क्या पता रिहर्सल में तेरे साथ ही कर लूं। बाय भाभी। हाँ भाई, अब पहचाना? इसको ना पहचानने की ना मेरे पास बहुत बड़ी वजह थी। हाँ भाई सोगी, यार ना तेरा लोगों की नंगी फिल्में बनाता पकड़ा गया डायरेक्टर। जानता नहीं से, बोल कराएगा कि बेल इसकी? नहीं सर जी, मैं जानता इसे। ले जेल डायरेक्टर को। क्या बोल रहे सौगी यार, ये जेल में डाल देंगे मेरे को। अरे सर मजाक कर रहा है, अंदर ही दिखाएगा ये करता। अरे सर दोस्त है, अरे दोस्त है मेरा वो, अरे दोस्त है, अरे सर दोस्त है मेरा वो, मेरे साथ घूम जा रहा था। तेरी ना पहचानने की आदत तो पहले से ही है। तूने भाभी को बता दी तेरे पॉन सिटी के बिजनेस के बारे में? नहीं। ए यार तू बिना, अरे भाभी गोल्ड पॉलिश आज छोड़ रहा हूं पिस्सू, मुझे ना तो दिख मत जाइयो। देखूंगा नहीं, रहूंगा तेरे आसपास ही। ये लो, कूसो। आप लोगों की दुश्मनी के चक्कर में ना रूही के साथ मेरी रिहर्सल ही नहीं हो पा रही है, सीन आधी में ही रह जाता है यार पापा जी। तेरी किस्मत भी ना मेरी तरह ही है, गधे के उससे लिखी हुई। मेरी किस्मत आपकी तरह होगी,
हरकतें नहीं है। और ये पॉन सीडिया कौन बेचता है? और कोई काम गंदा नहीं मिला? अल्ले, उससे बढ़िया कोई काम था उस टाइम में? आजकल की तरह थोड़ी, फोन में बटन दबा और पूरा मेन्यू खुल गया। उस टाइम पॉन देखने का ना अलग ही मजा आता, लोगों की लाइफ में ना पन लाता था मैं, खुशियां बांटने का काम था तेरे बाप का। तेरी पॉज 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 ये तो ओके यार चिल कर, तू मत पॉज हो, तू कंटिन्यू कर। उस टाइम ये थी मिस मोना छिब्बर, अपने पति को ना दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था और फिर डिवोर्स भी दे दिया उसे, इनके बारे में भी इतना ही काफी है। ओए रेडी यार क्या हुआ? विक्रम, विक्रम, ओ विक्रम। Every time यार, you always tired, you always sleeping. विक्रम. हेलो, सो गई थी क्या? अब तो सोना ही पड़ेगा ना। क्यों तेरी भी सीरी रुक गई? तुझे कैसे पता? अगर चल रही होती तो फोन थोड़ी उठाती तू मेरा। यार विक्रम के शिप का प्रोपेलर तो चल पड़ा था और एंकर भी हट गया था, तो ये ब्लडी सीरी रुक गई। इनकी लाइफ में भी एक एरर है, हस्बैंड को सेक्स तो चाहिए पर बच्चा नहीं, बस इसी प्रॉब्लम का इलाज ढूंढने में लगी है डॉक्टर दास। सारा का सारा मूड खराब हो गया यार मेरा तो। चल बाय, गुड नाइट। इस बार फिर से तेरा हस्बैंड 5 नाइट्स का पैकेज लेकर आया है क्या क्रूज से? हाँ यार, और उसमें से एक रात तो वो चंपा की वजह से वेस्ट हो गया। वेस्ट ना, तो अपनी लाइफ कर रही है उसकी वजह से। तुझे अच्छी तरह पता है कि तेरा हस्बैंड यहाँ वहाँ मुंह मारता रहता है, फिर भी तुझे उसके साथ ही बच्चा चाहिए। तो क्या करूँ यार छिब्बर, वैसे भी ये लास्ट ट्राई है, अगर नहीं हुआ ना तो अपने होने वाले बच्चे के पापा का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी। That's like my girl. I want you to be like that. ये तो पम्मी आंटी है। उस टाइम ये थी पम्मी चावला, लगती नहीं है ना, पर दो जवान बच्चों की मम्मी है पम्मी। पम्मी जी को वो सब करना था जो जवानी में रह गया था, पर इनके हस्बैंड चावला साहब की जवानी तो बहुत ही पीछे रह गई थी। गुड वाला मॉर्निंग कुड़ियो। गुड मॉर्निंग। हो गया तेरा? क्या वही? अरे छोड़ो यार, मैं क्या कह रही हूँ, मुझे ना बाय गॉड आज सुबह से बहुत अजीब वाली फीलिंग हो रही है, घबराहट हो रही है। वो जो हम जहाँ पे भी जो भी करने जा रहे हैं ना, मैं तो कहती हूँ कैंसिल करते हैं। किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा तुझे? यूके से तेरे बच्चे आएंगे देखने के लिए या चावला जी आएंगे भटूरे की दुकान छोड़ के? पर एक बात बताओ, उसे ढूंढेंगे कैसे? न एड्रेस है न कुछ। डोंट वरी, टेक सिंह है ना, टेक सिंह विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मेरी गट फीलिंग को मानो, नहीं जाते हैं बाय गॉड। पम्मी चिल कर यार, प्लीज चिल कर। वाहे गुरु, मेहर करी, बचा ली बस आज। संतरे दे इसको। ये ले, बड़ा जूसी है। यहाँ वैसे ही जूस निकला पड़ा है, ऑरेंज का। तू खा, बड़ी मीठे। ओ नहीं जी नहीं, अब से मैं ही आऊंगा डिलीवरी करने। और चंपा की तो चंपी हो गई है ना, पेट टूट गया उसकी, बेड रेस्ट पे है वो। हाँ जी, चंपा कहाँ रहती है जी? क्यों, क्या काम है? जी वो सीडी। कौन सी वाली? डबल एक्स ट्रिपल एक्स स्टोरी वाली या सीधा एक्शन वाली? नहीं जी, मैं नहीं जी, वो तुम चंपा के आदमी हो? नहीं नहीं, चंपा मेरी औरत है, मतलब थी, मेरा मतलब मेरी शॉप है। चंपा वहाँ काम करती थी, 2 दिन पहले छत से गिर गई। हाय रब्बा, वाहेगुरु मेहर करी, ये बेचारा वैसे ही इतना परेशान है, ऊपर से हम इसको डिस्टर्ब करने आ गए। तुम दोनों ना छेती काम निपटाओ और चलते हैं यहाँ से। सुना मैं ना सीडीज लगती हैं रेगुलरली, अब वो तो है नहीं, तू ही भेज दिया कर। ये मेरा कार्ड है, फोन करके ना कोड बोल देना, माल पहुंच जाएगा।
वो तो ठीक है, पर अगर सीडी अटक गई ना तो पैसे भी अटक जाएंगे। अब वो जमाने गए मैडम, नो मोर सीडी। अब ना मार्केट में डीवीडी आ गई है, पीजी वाली डिस्क। अटकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, और क्वालिटी ऐसी मानो जैसा सब कुछ आपके सामने हो रहा हो। ठीक है फिर, आज रात को हम तीनों के घर पे पहुंचा देना, एड्रेस एसएमएस कर देती हूं। अभी ना मोबाइल नहीं लिया है, आपकी दुआ रही तो जल्दी ले लूंगा। सुन इधर देख जरा, तो वही है ना जो फिल्म से पहले सीडी में आता है, ये वही है। क्या बात है मैडम, पहचान गए, बड़ी पिक्चर देखते हो। तो वो छोड़, मुझे ये बता तुझे डर नहीं लगता मैं पकड़ा गया तो? वैसे कैसे, पूरी सेटिंग है अपनी पुलिस में। अच्छा सुन, ये तीन एड्रेसेस हैं, यहाँ पर भिजवा देना आज रात को। ओके जी, नो प्रॉब्लम, पहुंच जाएगी। बोल तो दिया था मैंने, पर प्रॉब्लम थी डिलीवरी की। किसी ने ना सही कहा है कि हर प्रॉब्लम का सलूशन ना उसके आसपास ही होता है, और मेरी प्रॉब्लम का सलूशन तो मेरे घर पर ही था। ओ सिद्धू साहब, तो कोई फोन तो नहीं आया? खाली हाथ भटकते नैन, फिर चल दिया जेंटलमैन। ओ सिद्धू नु छड़े, काम पे ध्यान दे दे थोड़ा। ओयो गल्ला, ओयो ताने, खुश हो गए हो ना? यार मैं तो ये कह रहा था कि चंपा की पीठ टूट गई है, तेरी डिलीवरियां करेगा कौन? वो आप पूरा करना है, पहले कभी टेंशन लिया जॉब ले रहे हो? आप ना अपना संभालो। मैं ना अपना संभाल लूँगा, जाओ आप। सिद्धू साहब वेट कर रहे होंगे ना, गप्पों का टाइम जो हो गया आपके। यार सारा टाइम वही बातें, दोनों मिलके ताने ही मारते रहा करो मुझे। मैं तो बल्कि ये कह रहा था कि तेरे काम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है तो तेरी डिलीवरियाँ मैं कर दूँ क्या? है? हाँ शुक्र है पुत्र, सैर की सैर हो जाएगी और टाइम भी पास हो जाएगा, बाकी बीजी ने मुझे कौन सा खाली बैठने देना है। ओ ठीक है जी, एक जगह आप चले जाओ, दूसरी जगह मैं चला जाऊंगा। ठीक है, जब बाप हैंडसम हो ना तो बच्चे को फकर कम फिगर ज्यादा होती है। दिल्ली की लेडीज की दबी हुई ठरक उर्फ लस्ट की आग में मेरे माचो पापा जी ना पेट्रोल का काम करने जा रहे थे। कोई आया है? एक्चुअली थोड़ा टाइम लगेगा। नमस्ते जी। हाय मैडम दीदी। आप चला के दिखा दीजिए ना, हर बार अटक जाती है। जी परफेक्ट है जी, चलेगी। दो मिनट लगेगा, आइए ना जी। अच्छा सुन, तेरा पैर ठीक है अभी? एकदम टॉप टॉप। अच्छा पट्टी खुली है, इधर आ। टॉप पर टॉप। ला मुझे दे, मैं करती हूँ। आ गया ना तो बेमतलब ऑकवर्ड हो जाना सब कुछ। घर पे कोई नहीं है। नहाना है? है जी नहाना है, मैं तो नहा के आया हूँ जी। वो अपना स्मेल जी मेरे जुराबों में से आ रही होगी जी। जमुना पार से जीके तक चर्चे बड़े हैं, बिफोर टाइम डिलीवरी में नंबर वन खड़े हैं, देसी से अंग्रेजी तक सब कुछ दिखाएंगे। फोन बाद में करना, पहले नीचे हम आ जाएंगे। सोच सोच के मेरा ये दिमाग खराब हो रहा है कि बाबूजी ने आपका क्या हाल किया होगा। टिड्डे ये भी तो सोच, बाबूजी का क्या हाल हुआ होगा। ओ यार क्या कर रहे हो यार तुसी, यार
ओ सरयम तुसी यार इस तरह नहीं कर सकते यार। ओ यार छोड़ दो यार तुसी पहन ली। ओ चल ठीक है मैं कुछ करती हूं। ओके बाय। ओए कहां जा रहा है? पिक्चर नहीं देखी? मैंने तो पूरी देख ली, तू देख। सॉगी। हां अच्छा सुन, कल ना मेरी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी है, तू आएगा? मैं कैसे, मैं तो जानता वानता भी नहीं हूं। अरे तू गिफ्ट ले आना ना। एक काम कर, एक सीडी में ना सॉन्ग डाल के ले आई। नहीं यार तुम जाओ, मेरा क्या बनता है, तू एंजॉय करना। मजा आएगा ना सॉगी, प्लीज आ जाओ ना, प्लीज मजा आएगा। डन है। 9 बजे फ्रेंड्स कॉलोनी एड्रेस, मैं मैसेज कर दूंगी। मैं लिख लेता हूँ, मोबाइल नहीं है ना मेरे पास, इसी महीने लूंगा तो मैं बता दे मुझे, मैं लिख लेता हूँ। तो लाना, मैं लिख देती हूँ। अच्छा सुन, मैंने ना अपना नंबर भी लिख दिया, कोई कंफ्यूजन हो तो कॉल कर लियो। और हाँ टाइम पर आई हूँ, सॉन्ग्स के बिना पार्टी कैसे चालू होगी। ओए, वो वाला जरूर डाल दियो। कुड़िया बढ़िया नाची है इस पे, उनको बहुत पसंद है। अच्छे कपड़े पहन के जाना। अच्छा जी भी। इन्हें क्या हो गया? दस्त लग गए होंगे, आदत नहीं है ना काम करने की। फुद्दू कैसी है यार, फुद्दू कैसी है। नीरज जी भी सच्ची कह रहे हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया, पीछे से वो लेडीज आई उसने पकड़ लिया। किसने पकड़ लिया था है? पंजर, मैं कह रहा हूं 35 जूतियां खा ले चुपचाप। ये मैं पढ़ लिया ना, पूरी पूरी सर्जरी कर देनी मैं। वो हो क्या गया है? वो क्या गया? बताओ क्या हो गया? बता दो क्या हो गया पापा जी? गंदी फिल्म की सीढ़ियां भेज दे ऐसे कर इंडिया तेरे। वो हो क्या गया यार? बाप की इज्जत निकालता है ये बेटे, जाके दे दो वीडियो लाइब्रेरी दे दो। ये काम करता तू? अरे बोलते क्यों नहीं, जवाब दो मेरे को। कंजर लेडी ने फड़ लिया सी मैनू, ये टाइम ना नहीं पाजदा ना तो बन्ना खानदान की इज्जत लुट जानी सी आज। अच्छा तभी आती पेंट धोई है आपने, लूज मोशन ही मोशन निकल गया आपका आज। मैं तेरे लूज मोशन खोलते हो कि तोड़ो दरवाजा। यार तू चुप रहो यार। बीजी बता दू, बीजी को बता दू, बता दू क्या काम करता तू? बीजी ओ बीजी गई यार। बीजी बीजी क्या हुआ? ठीक हो? हाँ। ओ यार बीजी कब बंद करोगे अपने ड्रामे? ओ ड्रामा तू बंद कर, एक दिन काम पे गया नहीं और शोर मचाना शुरू कर दिया तूने। यार आपको पता भी है कितनी कंप्लेन है इसकी सीढ़ियों की, सारे कस्टमर नाराज बैठे हैं, डिलीवरी करने जाओ तो पकड़ लेते हैं, छोड़ते ही नहीं है। आप बताओ ऐसे चलेगा ये बिजनेस? तभी तो मैं कहती हूँ कि इसका साथ दे, एक और एक 11 हो जाओगे तुम दोनों। वही तो बीजी, इनको समझ ही नहीं आती ना अच्छी बातें तो। ओ मैनू ना समझा, समझाई माल अपनी दुकान, मुझे नहीं करनी तेरी डिलीवरियां। पास करता है। अच्छी राय तो मानी नहीं ना आपने। ओ कब से कह रहा हूं यार, अरोड़ा दे फार्म हाउस से चलते हैं, ओ सारा इंतजाम है उठे, सुबेदार लाइफ रिफ्रेशन नाम की भी कोई चीज होती है, मेरे साथ चल देते ना तो आज ना आपका टचन को नहीं होता। तो कब चलना है तेरी डिलीवरी बॉय से मिलने? तुझे बड़ी जल्दी है। हाँ है तो विक्रमा क्या करेगी? वो तो कल बिना बताए शिप में वापस चला गया। आई है भाई, मेरा फंडा तो क्लियर है, मुझे बच्चा चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। ओके तो चल कल ही चलता है। चले। मम्मी जी, फील द डिजायर, ओके इट शुड कम आउट नेचुरली। और किन्नी डिजायर्स निकालेगा? वैसे भी मैं थक गई। मैं क्या बोल रही हूँ, ये लड़का वैसे इतना बुरा नहीं है, गलत गलत चीजें कराई जा रहा है, बट आई थिंक ही लाइक्स मी। मम्मी हाँ, इसका नंबर तो निकालो। पारुल
ये ले तेरे फेवरेट सॉन्ग्स आ गए। हैप्पी वाले बर्थडे अजी, ब्लॉकबस्टर हैं सारे। से थैंक यू टू सॉगी। ओके आप ये सीडी डीजे वाले को दे देंगे भैया? ओए ये डिलीवरी भैया नहीं है, तुझे याद है मैं बोर्ड एग्जाम में लेट हो गई थी और किसी ने मुझे स्कूल छोड़ा था? ओके आई रिमेम्बर। राइट मुझे तुझे सेंटर छोड़ने आया था। करेक्ट। ओके ये वो है। यू आर सो स्वीट, अब ये डीजे वाले को दे दीजिए। थैंक यू सॉगी। थैंक यू क्या, अभी माहौल बना के आता हूँ देख तू। ए ब्रो नाइस जैकेट। हाँ थैंक यू भाई, आई लाइक इट, काफी जच रही है तुझ पे। कहाँ से ली? वो यहीं से लिया, टैंक रोड से। मुझे अभी अपने नौकरों के लिए लेनी है दो, जरा अपना नंबर बता जरा, जैसे बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ, फोन नहीं है? What is this behavior, Goldie? Say sorry to me. मैंने क्या किया यार? Say sorry. Okay बाबा, okay okay, I'm sorry. चलो अब आ गया तो खाना भी खा के जाना, और हाँ थोड़ा पार्सल भी करा लियो, घर वालों को अच्छा। ओ भाई आराम से। Guys, please, sorry. Dessert भी कर लियो। Goldie. सॉगी भाई बेइज्जती की बात नहीं है, बंदी के सामने नहीं होनी चाहिए थी, मुझ पर प्यार की एक बूंद तक नहीं बरसी। और वहां पापा जी पर ना बादल फटने वाले थे। सपने पूरे हो रहे थे और दूसरी तरफ किसी और की नींदें हराम हो रही थी। मम्मी मुंह तो बंद कर ले यार, कितना हॉट है ये। जितने प्यार से अपने स्कूटर को साफ कर रहा है ना ओए दास, उतने ही प्यार से तेरे बच्चों को भी नहलाएगा। हाय कितना क्यूट है तेरे बच्चों का होने वाला डैडी। उड़ी बाबरी, इसके तो चेकअप का टाइम आ गया। मैडम जी। अरे तुम सॉगी, तुम्हें ही ढूंढ रहे थे हम, अच्छा हुआ यही मिल गए। क्या बात है मैडम, बड़े चक्कर लग रहे हैं आगे। उस दिन डिलीवरी बॉय के साथ क्या किया था आपने? नथिंग, बस थोड़ा मजाक ही तो किया था। वैसे हम सोच रहे हैं कि तुझसे पूरे साल की मेंबरशिप ले लें। बहुत सही सोच रहे हो मैडम, मैं भी यही सोच रहा था कब तक धनिया लेके घूमूंगा, कभी तो कोरिएंडर खरीदूं। बट एक दिक्कत है। क्या? वो थोड़ी महंगी पड़ेगी। अरे पैसों की टेंशन नहीं ले, जो तू बोले, लेकिन डिलीवरी के लिए ना उसको ये भेजना। नहीं जी नहीं, बहुत मूडी बंदा है, वो नहीं आएगा, फोर्स भी नहीं कर सकता। फोर्स का जो आदमी है सूबेदार रह चुके हैं, अप्पा जी हैं मेरे। वाहे गुरु, तुम ना दोनों क्या कराती रहती हो मेरे से, क्या सोचेगी इसकी मम्मी। सॉरी सॉरी, चलो यहाँ। नहीं जी नहीं, मम्मी जी तो पहले ही ऑफ हो गई। ताई, तेरे पापा जी के चेहरे पे ना एक अजीब सी उदासी छाई हुई है। मम्मी जी के जाने के बाद। अच्छा सुन, एक बार तो पूछ ले उनसे, क्या पता
शायद तेरे पापा जी का मन हो आने का। हाँ, और ऐसा कौन सा बेटा होगा जो अपने पापा को खुश नहीं देखना चाहता होगा। बाकी तेरी मर्जी भाई। मैं तो कह रही हूँ देख ले, सोच ले, समझ ले, मूड बन जाए तो कॉल कर दियो, वरना सीडिया तो हम कहीं से भी मंगवा सकते हैं। ओके, लेट अस नो। अच्छा, तो यहाँ से लगी थी आपकी लॉटरी? झिलमिल का है यार। अरे बताओ ना, आपने पूरी कर ली उनकी डिमांड? बाऊजी मान गए? बाऊजी को भेज दिया? वो इतना आसान नहीं था। बीजी, हाँ? आपको नहीं लगता पापा जी के चेहरे पे का अजीब सी उदासी होती है? तेरी माँ के जाने के बाद ना बुझा गया है बेचारा। बीजी, आप ना पूरी दुनिया की शादी कराते हो, पापा जी की दूसरी शादी क्यों नहीं करा देते आप? थावी भाई को मम्मी भी मिल जाएगी। ये कोशिश तो बहुत करती हूँ पर वो मानता ही नहीं। अब तो बाबा जी कुछ करेंगे। अब बाबा जी गिफ्ट रैप करके तो भेजेंगे नहीं उनकी वाली। जब घर से बाहर जाएंगे, दुनिया देखेंगे, तभी तो कुछ होगा ना। आपको ना थोड़ा टाइट होना पड़ेगा बीजी। मैं तो उसके सारे नट कस दूंगी, तू बोल तो सही करना क्या है। बीजी, बोला था ना तुझे मैं नहीं जाऊंगा तेरी डिलीवरी करने। बात समझ में नहीं आती एक बार में। आ गई पुत्र, तूने तो घरे बैठे रोटियां तोड़नी है, काम नहीं करना। ओ यार, सारा टाइम तुसी मेरे पीछे ही पड़े रहते हो यार। मेरी बात सुन, जब तू फौज में भारत माता की सेवा कर रहा था ना, तो ये तेरा छोटा सा पुत्र तेरी माँ की सेवा कर रहा था। तो तुझे तरस नहीं आता अपने पुत्र पे? टूटी सांग से कितना काम करता है ये। वो ड्रामेबाज है और आप सारा टाइम उसकी साइड लेते रहते हो। फ्रंट में था तो कौन सा गलत काम कर रहा था? मैं आपको बता रहा था ना इसकी करतूतों के बारे में। बकवास बंद कर, मुश्किल में अपने परिवार का साथ देना होता है, बहाने नहीं बनाने होते। और तू थोड़ा घर से निकलेगा, टोटे शोटे देखेगा तो तेरा मन लगा रहेगा। चुपचाप डिलीवरी के लिए चला जा, नहीं तो मारूंगी कुछ सुन तेरे को। यार तुझे सारा टाइम डराते रहते हो, बोली बीपी आया जाएगा, बीमार पै जाओगे। इतना ही कहते हो तो मैं चले आऊंगा यार कल से। आज ना मेरी थोड़ी तबीयत खराब सी हो रही है मेरी। वो तो आपको डॉक्टर के पास ही तो भेज रहे हैं, लगे तो दवाई भी लेना। क्यों बीजी? आते हुए ना तंदूरी भी ले आना रात के लिए। ओ यार, रात को तो मिक्के की शादी में जाना है ना बीजी, वहीं पाड़ेंगे। और आप भी आ जाना। ओ यार, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं कह रहा हूँ। वहीं से ही कर देंगे। दाओ दाओ, मैंने तो बोला था। तेरे नम्मा, तू जाता है कि नहीं काम चोर कहीं का? जा रहे हैं यार, फौजी सीढ़ियां डिलीवरी कर रहे ये लो। जी, मैं तो वो डीवीडी देने आया हूँ। जाओ। सीडी आ गई मैम आपकी। ओके। हेलो जी। आइए आइए। ये सीडी कहो ना प्यार। कहो ना प्यार। थैंक यू। सौगी कह रहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। जी थोड़ा जी सर दर्द है। चंगा जी। नहीं नहीं रुकिए, ये पी लीजिए, आराम आ जाएगा। चंगा जी। आराम आराम से पीजिए, बहुत स्ट्रॉन्ग डोज है। नहीं नहीं बस ठीक है जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा जी। बैठ जाइए। चक्कर जा रहे जी, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैंने कहा था आराम से पीजिए, बैठ जाइए। अरे घबराइए मत, सब लाइट लाइट सा फील होगा। लाइट नहीं हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हो यार? मुंह खोलिए। समझ गए,
जोर से सांस लीजिए। ठीक है, सब ठीक है। गोल गोल बस बस हो गया। इट्स ओके। थैंक यू थॉगी भाई, इसमें थाम वाली देन भी है ना। इधर लाओ, आराम मत कर दियो, पापा जी का ही है। ये ले चल खेल ले, पर दे दियो पापा जी, तो पापा जी को, और ना मेरे साथ कम घुमा कर, अपने जैसा कर दिया मेरे को। हेलो। हेलो कौन? नए मोबाइल से पहला कॉल किया है तुझे, नंबर सेव कर ले मेरा। क्या बात है यार, कंग्रेचुलेशंस। और ना अपने मासी के लड़के को भी दे दियो, नंबर मांग रहा था ना मेरा वो। उसको छोड़। ये बता, नए फोन की पार्टी कब दे रहा है? पार्टी का क्या है, तू आज ले ले। आज नहीं यार, आज ना मुझे एक शादी में जाना है। ये ले, ये तो कोएक्सीडेंट हो गया, मुझे भी आज अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में जाना है। क्या बात है। अच्छा सुन, मेरा एक फेवर करेगा प्लीज? गोल्डी नहीं है आज, तो तू मुझे वेडिंग वेन्यू पे छोड़ देगा? हाँ हाँ, बताना कहाँ ना। अब तो फोन आ गया ना, एड्रेस मैसेज कर दूंगी। यार तेरे लिए तो लिया है। हाँ मम्मा आई। चल चल मुझे जाना है, तू रात को टाइम पे आ जाइयो। हाँ बाय बाय बाय। हाय हाय हाय। गर्ल्स गेस व्हाट, रिपोर्ट्स ठीक है? मतलब फटा फटी, इट्स अमेजिंग। फिट फिट एज अ हॉर्स, I can't wait anymore. Oh, Biji! Yaar, mast hai. Aur bara. Jaldi ja. Soggy kithe hai? Tenu pata hoga, tere dost hai wo. Oh, mainu to pata hai, bas wo utthe gaya na ho. Photo. Oh, photo to khichao. Oh. Udhar dekh. Wo dulha kuch zyada hi excited nahi lag raha shaadi ke liye. God, how desperate, yaar. मेरे बाल ठीक है ना? अच्छा सुन, टूटा लग रही हूँ ना मैं एकदम? यार ये तो अपनी वाली है। हेलो मैक दीदी। हाय छुट्टल, ये सब क्या है? वो गाड़ी सजाने की ड्यूटी हमारी थी ना, लग रही है ना एकदम टंच। हाँ हाँ बहुत सही लग रहा है यार, वो मिस भी जाने वाला है यार, ये तो 26 जनवरी की झांकी लग रही है सीरियसली। चले देख के बैठियो, महंगे फूल लगवाए हैं, सुंदर लग रही है बड़ी। Really? Thank you. वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है सौगी आज। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल इस गाड़ी की तरह। थैंक यू भाई। अंजू मैडम क्या हाल चाल? अपने तो दोनों ही मस्त हैं, हाल भी और चाल भी। और बताओ कैसे याद किया? मेरे घर में आज एक छोटी सी पार्टी है, इसलिए अपने डिलीवरी बॉय को म्यूजिक सीडीज लेकर भेज दो। बड़े ना शॉर्ट नोटिस पे बता रहे हो आप, पर कोई नहीं ट्राई करता हूँ। इमरजेंसी चार्जेस ले लियो। डन है जी। ऊपर वाले ने ना आपको चुना है खुशियाँ फिलाने के लिए। हर किसी की ऐसी किस्मत नहीं होती सुबेदारा। यार देखो यार। वाह वाह क्या यार, फंस गए। वाह ऊपर वाले की मर्जी है सुबेदारा। जाना पड़ेगा यार बिजी, पीछे पे होने। गलत सुन सुबेदारा, हैप्पी के जाओ यार। ओ यार नहीं, ओ नहीं यार, ओ यार सिद्धू साहब यार, सारे कपड़े खराब कर दिए यार। कंट्रोल योरसेल्फ यार, बह जाओ तुसी आराम नाल।
और आप इसी है तो सॉगी मतलब काम क्या करता है? बिजनेस बिजनेस ही करता है या? इसका ना सीडी और ईवीडी का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है सॉगी का। हाँ हाँ तुझे तो सब पता है। क्यों? हाँ उसे भी तो बोलने दे जरा। हाँ भाई काम क्या करता है तू? हिंदी इंग्लिश ना सारी फिल्मों का कलेक्शन है अपने पास। मतलब वो वाली भी है? वही तो है, ये दुकान भली पली है। आप बताइए आपको कौन सी चाहिए? चुप होए, अपने पे ध्यान दे। अच्छा सॉगी तू कब ध्यान देगा अपने आप पे? मतलब कब तक यूं ऐसे ही दोस्तों की गाड़ियां सजाता रहेगा? अपनी वाली गाड़ी कब सजा रहा है तू? तो ये वही तो भरे बैठे बस मैं चुप होए। इस बार बस थोड़ा बिजनेस सेट हो जाए, बाकी तो सामने वाले की मर्जी है जी। अच्छा सॉगी सुन ना, पारुल को रास्ते में से लेते हुए चलना है, चलेगा ना? डन है। थैंक यू। थके भाई उसके बाद मैं गाड़ी चलाऊंगा। चला लियो भाई, अब तो तू प्लेन में चला लियो। वो नहीं आता थके भाई। थैंक यू वाली क्या बात है, मेरे दोस्त की शादी भी ना पास में ही है। महक कहाँ थी तू? अच्छा आ ना कर साइड हो। ये क्या चीज है, ये पुष्पक विमान में जाएगी क्या डोली? नहीं नहीं इसमें तो तेरी डोली जाएगी। क्यों क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। खुशफुस ना गया अगर मेरे सामने। और ये कौन है? मामा ये मेरा दोस्त है सॉगी, वो गोल्डी नहीं था ना तो मैंने इसे बोला हमें छोड़ने के लिए। अच्छा पैरीपन आंटी जी। खुश रहो खुश रहो। ओके बाय बाय। चलो बाय दीदी। बाय छुट्टन। हाँ हो गया बाय। चल मैक टेक केयर। हाँ बाय जा बेटा। बाय बाय। हेलो है क्या जी कोई? हाय। छोड़ दो यार मनु, लीव मी यार। ओ हेलो जी, मैं जी सीडी। सीडी चला के दिखा दीजिए ना। और नहीं जी चलती है जी परफेक्टली। मैं जी वो अपना मिक्की नहीं, मिनट लगना है जी, वो मिक्की की शादी में जाना जी मुझे। कोई बात नहीं अंदर भी पार्टी हो रही है, आइए ना। तो नहीं मैडम जी पिछली बारी भी मतलब। अच्छा याद है आपको? हाँ जी याद, मतलब कि चलना ही पड़ेगा। वाह जी वाह, सीढ़ी चल गई है जी। वैसे आप घबराते बहुत हैं, आपके तो सारे टेस्ट भी हो चुके हैं। नहीं जी डॉक्टर साहब पिछली बार तुझे दवाई देके ना वो चंगा नहीं किया। सब ठीक है जी, सारी रिपोर्ट ओके। ओके जी मैं भी चलना जी। ओके नाम तो बताते जाइए आपका। मेरा नाम जी प्रेम सिंह बरनाला। सत श्री अकाल। ट्रिपल जप। तुसी कौन जी? मैं मम्मी। हैप्पी एनिवर्सरी टू मी जी। ओह हैप्पी एनिवर्सरी जी। वैसे तो पापा बड़े शर्मीले टाइप थे, पर पंजाबी आदमी जब दो पैक टिका लेता है ना तो वो यमला पगला दीवाना हो ही जाता है। घूमें अब सर भी रब्बा थोड़ी देख दे, सिंघम से चिंगम वाली फील हो गई, माइंड दी खिड़की उत्तो सील हो गई, बात थी चार दीवारी में हुन पूछ दी दुनिया सारी में, सवालों के लिए नहीं था रेडी। So tell me who's your daddy? बारी वर्षी खटन गया सी खटके लियांदा टिक्का। ओ बंगड़ा ता सजदा जद नचे राखी ते मिक्का।
आ गया सौगी, चलो। नहीं देता तुम्हें, यहाँ नए रिश्तों की चाशनी दिलों में मिठास घुल रही थी, पर वहीं जिंदगी में कुछ नए रंग भी घुल रहे थे। पर अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक चले, वो ऐसा हो कैसे सकता है? बस करो, बहुत हो गया फैमिली ड्रामा, चलो चलो गाड़ी में। वैसे पापा जी, बीजी भी कमाल की थी ना, तीनों को पकड़ लिया। बीजी थी किसकी? ले, हर बात में ना क्रेडिट आप ही ले लो, जैसे सारी मेहनत आप कर रहे थे और बाबूजी मजे मार रहे थे। बेटे याद रखियो, जो जिंदगी के असली मजे होते ना, बाप के राज में आते हैं। और बेटा जब तेरे बाप जैसा हो ना, तो बाप का राज कभी खत्म नहीं होता। यार हैप्पी बर्थडे की पार्टी शुरू कर दी और मुझे बुलाया नहीं। वो ठीक है बदमाश, ड्रिंक बना मेरे लिए जरूर छोटे के साथ। यार सब बता दिया? नहीं नहीं, बीच बीच में सेंसर कर रहा हूँ। एक्चुअली यार कहाँ तक पहुँचिएगा? हम पहुँचे। मैं बताता हूँ, वो पिस्सू आया था ना चोरी करने, यहाँ तक। यार इस चीड़ी दे पेशाब नाल मेरा की होएगा? प्रॉपरली टॉप अप करना। देख यार बच्चे, यार वैसे सच्ची है, उस दिन बीजे ने मैं पकड़ ही लिया था। ओ होना क्या था पापा जी, बहुत पहला एक का तो खून वून भी आ गया था। बस आराम। मैंने क्या किया बीजी? कोई ऐसा तो खजाना है नहीं दुकान पे जिसे पिस्सू चोरी करने आया था। असल में बात कुछ और ही लग रही है। मुझे क्या पता, कान खोल कर सुन ले मेरी बात। पिछले 45 साल से मैं इस जगह पे बैठी हूँ। आधे मोहल्ले के रिश्ते करवाए हैं मैंने, सब लोग मेरी इज्जत करते हैं। अपनी इज्जत खराब नहीं होने दूंगी मैं। पकड़। आराम ना ले यार बीजी। ओ पुत्र, तू जो भी काम कर रहा है ना, सोच समझ के करना। जो काम करने से सिर नीमा हो, वो काम तो करना ही नहीं, समझ गया? तू समझा ना इसे। गल तो ठीक कहती है।
कैसे हो मांग बेटे? मैं अच्छी हूँ अंकल जी, आप कैसे हो? मत जी बढ़िया जी। मामा जी दिखाई नहीं दे रहे। मामा अंदर मसाज चालू है, लग तुम ले लो। नहीं नहीं अंकल जी थैंक यू। अच्छा वो आए ना तो उन्हें ये दे दीजिएगा, दादी जी पुष्कर गई थी वहाँ का प्रसाद है। बाय। हवलदार, हवलदार साहब, ये लड़की कौन थी? अगला नंबर ना तेरा ही सह, खुद पूछ लियो उसके मामा से। हाँ तो फिर ठीक है, बोलो अपने साहब से, मुझे भी अंदर बुला ले। बॉडी में ना दर्द सा हो रहा है, थोड़ी मसाज मैं भी करा लेता हूँ। हैं देखा ना ये कच्ची है। अरे सारे तेरे समोसे मैं पकाऊंगा। बैठ नीचे, बैठ नीचे, बैठ नीचे साले, नीचे बैठ। साला संजय दत्त बन रहा है क्या? साला हीरो बन रहा है। ओए स्वीटी, हेलो। मेरा ना शरीर बाय गॉड टूट रहा है, तू ना मेरी फुल बॉडी मसाज करते हुए। आइए मैडम। ओए तुम दोनों, हेलो। शरीर टूट रहा है, तब सोचना चाहिए था ना जब प्रेम सिंह की बाहों में जलविन मछली की तरह तड़प रही थी। हाँ बेशरम हो तुम दोनों, कुछ तो शर्म कर लो, आसपास वाले लोग सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे। मम्मी पता है तेरा ना यही प्रॉब्लम है, तुझे करना भी है और डरना भी है। अरे जो भी तुझे करना था अपनी फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, तूने किया है, बस इनाफ। जथेष्ट करेछिस, अब अपने लिए जी, लिव फॉर योरसेल्फ मम्मी। बात तो तू सही कह रही है भाई, बहुत जब किसी को मेरी पड़ी नहीं है तो मैं क्यों किसी के बारे में सोचूं है। और वैसे भी मैंने पूरी जिंदगी तड़पते हुए निकाल दी, अब ना अपना उस चावला साहब को जलपिन मछली की तरह तड़पाना है। और मैं तो कहती हूँ भटूरे खाने के दिन गए तो मालपुए खाने के दिन आ गए। माय गॉड, दैट्स लाइक माय गर्ल। नाउ नो मोर सीक्रेट, ओनली सीक्रेट पार्टीज। ओए एक गंदस है, कहाँ ये सीक्रेट पार्टी और होने क्या वाला है वहाँ पे? वेल कुछ भी हो सकता है, सीक्रेट पार्टीज का मतलब क्या होता है? हाँ तू बस तैयार हो जा। है यस। ओए स्वीटी मैं क्या कह रही हूँ, तू ना फुल बॉडी वैक्सिंग कर मेरी आज। ब्राज़ीलियन मत बोलियो। सर यू बचने के लिए ना कुछ भी बोल रहे, मैं तो कह रहा हूँ इसकी भी मसाज कर ही दो। अरे जनाब मुझे पागल किसी कुत्ते ने काटा, जो उनकी कुटाई देखने के बाद मैं आपसे झूठ बोलूंगा? खबर ना 100% पक्की है। हाँ तब तो फिर इलाज भी पक्का ही करना पड़ेगा। OMG, पापा जी की कहानी में नया बैडमैन। इस बैडमैन ने ना तेरे पियो को सैडमैन बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। मामे ने ना जिंदगी के एल लगा दिए थे एल। हाय हाय ओ गोल्डी जल्दी निकाल। अरे कोते क्या कर रहे अंदर? अरे कितनी बार बोला था कि टट्टी में एसी ना लगाओ, जो भी अंदर जाता है जम के बह जाता है। राहु की महादशा खेतों पे भारी है। हाय मिनी मीठी चुड़ैल। हाय हाय फिर तू कहाँ चली इतनी सर दर्द के? हाँ अरे सुनती नहीं लड़की। ओके बाय मम्मा, मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हाँ फिर लेट हो जाएगा, अरे समझाओ इसको। बेटा लड़का कौन था रात? बोला ना फ्रेंड था। फ्रेंड था? फिर नया फ्रेंड? कितने फ्रेंड चाहिए इसे, समझाए इसे जरा। देख बेटा तुझे अच्छे से पता है कि तेरा बाप कनाडा जाने से पहले ना हमारी सारी जिम्मेदारी तेरे मामा पे छोड़ गया था। और वो भाई भले ही मेरा हो पर सगा तेरे बाप का ही है। इससे पहले कोई और नाटक हो बुला ले लड़के वालों को। मम्मा ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? तो क्या तेरे भाग जाने का इंतजार करें? दादी मैं कर रही हूँ ना बात, आप ठंड रखो। देख बेटा इससे पहले तेरे मामा को पता चले बुला ले लड़के वालों को। हाँ चल। अच्छा ठीक है चलो मैं जा रही हूँ, बाय। मुझे लेट हो रहा है। हाँ हाँ बाय बाय बाय।
गई कुड़ी हाथ से। सर पासवर्ड जी, आज की रात कुछ होने को है। सर आप हमारे मेहमान हैं, प्लीज ये पट्टी बांध लीजिए। है जी? सर प्रोटोकॉल इज प्रोटोकॉल। ठीक है जी। अभी तो आप फंसोगे। अभी शुरू होनी है। चाय कॉफी पीनी है? ये चाय कॉफी कहाँ से आ गई? ठंड बहुत हो गई है ना, तो कुछ बातें पेट में जम जाती है। क्या पता गर्माइश मिलने में बाहर निकला है। अच्छा सर, ये कॉफी तो छोड़, पहले ये प्रॉमिस कर कि तू पैनिक नहीं करेगा। मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, जल्दी बताना क्या है। कल वो तू मम्मी से मिला था ना, तो मम्मी अभी तेरी ना फैमिली से मिलना चाहती है। ओह शिट। टू लाइफ जिंदगी के नाम, टू डिजायर चाहतों के नाम, टू फ्रीडम आजादी के नाम जी, यस मम्मी जी, दोस्त के नाम, बचदे सारे बोली तो बोली पांदे, बचदे सारे उच्ची उच्ची गाउंदे, बचदे सारे बड़ा खलारा पांदे। अरे यार, ओ चिपड़ जी यार। लाइफ दी फिल्म बन गई, फिल्म बेच दे, घूमे अब सर भी रब्बा थोड़ी ब्रेक दे, सिंघम से चिंगम वाली फील हो गई, माइंड दी खिड़की उत्तो सील हो गई। हेलो, ओ नो। अरे यार, अरे तीन में से दो देवियां गई भैया, बड़ा दुख हो रहा है यार। ये तो बात थी चार दीवारी में, हुन पूछ दी दुनिया सारी में, सवालों के लिए नहीं था रेडी। So tell me, who's your daddy? And the winner of the musical chair is Rani. की रानी लग रही है आप। आओ मैं तुमसे इतना प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगा, प्रेम करूंगा। एसी से लेकर रेडिएटर तक सब डैमेज हो गया है, मिनिमम 21,000 लगेंगे। क्या करना है? घंटा करना है। कंगलों की दोस्ती बहन तो जी का जंजाल। डिसाइड हो जाए तो बता दियो। पूरी गाड़ी के अंदर पंजे ढीले हो गए हैं। ओए इधर ना, काम चालू कर और सुन, एकदम टच कर दियो और लेदर कवर भी डाल दियो। ठीक है, गिफ्ट है तेरे भाई की तरफ से तेरी शादी का। क्या होता? ठीक है यार, ये प्रेम सिंह ना
जब भी आसपास होता है ना, बॉडी में ऐसे करंट सी मच जाती है, माय गॉड। तभी तो ना मम्मी, रुक, नो मैन्या। देख, लुक इट। तभी तो मैंने उसे चूज किया ना, इन बच्चों के बाप के लिए। पता है, इसीलिए ना मुझे इस दुआ में तेरा दिल दिख रहा है। That good guys. Go for it. मेरी पगलन दास दिली पगलन आज वो तेरा दास है कैट वुमन कितना पी लेती है भाई दास वो आज तेरा दास है हाँ मैं अपने दास को ढूंढती हूँ तो मेरी पगलन तू कितनी हॉट लग रही है चुप कर मैं आउटी यार आराम से अरे मम्मी छिपर छिपर बनाऊ ना जी नाम है जी मेरी वाइफ का था जी डोंट माइंड इट जी जब आपको देखता हूं ना तो उनका ख्याल आ जाता है जी पता नहीं मैं क्या माइंड मत करना जी क्या ना जी आ जाते हैं जी छोड़ते नहीं समझा तुझे पहले क्यों नहीं बताया वो कहानी ना बीच बीच में 18 प्लस हो जाती है कोई ना अब तो तू भी 18 प्लस हो गया है टेक योर टाइम एक्साइटेड हो गया है मैं भी हो जाता था ओए हो गया यार मुझे कुछ समझ नहीं आ रही ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है या मिस्ट्री आपकी किस्मत पे ना पापा जी रोना आ रहा है मुझे टिड्डा भी मत रो अभी तो आगे और मौके मिलेंगे रोने के लिए है? अभी तो मेरी लगना शुरू हुई थी आजा दिन शगन दा चढ़िया आओ सखियो नी दिन शगन दा चढ़िया आओ सखियो नी दिन तो पापा जी करके आए कल रात को बीजी में तो खून ही खुलना चाहता अपना पूरा कमरा महक रहा शराब से सोई नहीं है वो बेहोश पड़ा है बेहोश ओए अच्छी गल है नया रूटीन शुरू हो रहा है उसका तू ही तो कहता था बाहर घूमने फिरने जाएंगे तो उनका मन लगा रहेगा तू देखे मैं देखे उसके चेहरे पे ना निक्की जी स्माइल थी जिसको हंसना चाहिए वो कलप रहा है बाकी सब स्माइल कर रहे हैं मैं जा रहा हूँ फेशियल कराने जब तक रेडी मिलना किसी को कुछ पड़ी नहीं है मेरी ये लड़का हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह सुन तो सही दास एक
तुझे पता था ना कि मुझे सुबेदा से क्या चाहिए? मुझे तूने सोचा भी नहीं? तू सोचेगी क्यों? क्यों सोचेगी? तू तो पहले से ही सेल्फिश है, बस अपने ही बारे में सोचती है। यार मुझे पता थोड़ी था कि उसके साथ प्यार वाली फीलिंग आ जाएगी। है ना? रसीले मीठे संतरे हैं, लीजिए। चुप कर यार। सुन, तू सुबेदा से बात कर ले, अगर वो मान जाएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबेदा से बात कर लो, वो तो तेरी बातों में आ चुका है। यही तो तेरा काम है, हमेशा लड़कों को बहला फुसला के अपने बिस्तर तक लेके जाना। ज्यादा हो रहा है तेरा, सीरियसली ज्यादा हो रहा है। तेरा तो हो चुका, मिल गया तुझे सुबेदा, अब उसको गोदी में खिला अपने बच्चे की तरह। हाँ खिलाऊंगी, और अगर तेरे बच्चे नहीं हो रहे ना तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। Exactly, that's exactly what I'm saying. यही तो तेरा प्रॉब्लम है, selfish woman. तेरे ठरक के आगे ना तुझे कुछ नहीं दिखता। तुझे पता है क्या? तू मुझे लगता है कि हट जाओ सामने से। मुझे लगता है तूने अपने पति को नहीं, तेरे पति ने तुझे पकड़ा होगा किसी और आदमी के साथ, कुछ कुछ करते हुए तभी तुझे डिवोर्स दिया होगा। अच्छा तुझे डिवोर्स दिया होगा। और तेरे वाले को तो पता है कि तू चुड़ैल है, और चुड़ैल के साथ तो चुड़ैल के बच्चे ही होंगे ना, कौन करेगा चुड़ैलों के बच्चों को पैदा? चुड़ैल? हाँ चुड़ैल भी साथ घर छोड़ देती है, तूने तो अपने दोस्त के घर को भी नहीं छोड़ा। तुझे बच्चा नहीं है ना, तुझे चाहिए नहीं था कि मुझे बच्चा हो। कहने को बड़ी डॉक्टर बनी फिरती है तू, है ना? 10 तरीके हैं बच्चे पैदा करने के, पर नहीं, तुझे भी तो बच्चे पैदा करने की आर्ट में मजे लेने हैं। अच्छा जी, तुझे बड़ा पता है। मुझे मैं बता रही हूँ, तुझे बड़ा पता है। बहुत महंगा पड़ेगा। पर आए तूने भी मिस किया है। उड़ मिस, शट अप, यू कभी हुई जी। 2 मिनट पहले बड़ा मजा आ रहा सी, 5 मिनट चले ना बेड़ा गर्क करता सारा। ए तू चुप कर। मम्मी तू आज बीच में मत बोल, मैं बता रही हूँ। तुझे आइडिया नहीं है छिपने का, क्या किया कल रात को? क्या किया था? ओ क्या किया ना, तुमको पता नहीं है तुमने क्या किया? गर्ल सुनो मेरी, जो भी हुआ होगा आराम से शांति से बात करेंगे, बट अभी अभी बीच बाजार में तमाशा क्यों बना रहे हो? वैसे लोग खड़े होकर देख रहे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है, घर पे जाके बात करेंगे। और बहुत हो गया तमाशा, ऑडियंस है ना, इतनी बढ़िया पिक्चर देख लिया आप लोगों ने, तालियां बजा दे, अब निकलो यहाँ से सारे के सारे तमाशा देखने के लिए खड़े। और तुम दोनों चुड़ैलों की तरह बीच बाजार में झगड़ा कर रहे हो, चलो गाड़ी में बैठो, छोड़ दे मुझे कहीं नहीं जाने। पापा जी की प्रेम कहानी ने बरनालो की लंका लगा दी थी, पर ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नी मैनू प्रेम देवे आ विच नच लैण दे, नी मैनू अज दुबके मन। बड़ी सोहनी लग रही है बीजी आज। सुहा मेहंदी करंग तू चढ़ाई नहीं, ये ले काला टीका, कोई तेरा रिश्ता ना मांग ले आज। करो ए, आज तेरा दिन है, मेरा दिन नहीं है। और उनका दिन खत्म हुआ या अभी भी पी के लुड़के हुए हैं? ओए इतना भी कमजोर नहीं है प्रेम सिंह बनाला, तेरी मना जी। ओए होए जच रहे हो बाबू जी। ले पुत्र देखो कितने हैंडसम लग रहे हैं, एक खड्डे देखो ये नीलू जी वाले। चलो आप लोग जल्दी गाड़ी में बैठो। ये ना मैंने तेरे लिए बनाया है, चल बैठ जा। यार इतना खट्टा, ये शराब तो फ्री की थी, पेट तो तुम्हारा अपना है ना, ये शराब के लिए इतनी पोखड़ क्यों दिखाता है बेटे? यार मैं थोड़ी जी ली सी। क्या क्या बात कर रहा है, वो आज तो पॉसिबल ही नहीं है यार, कल आता हूँ ना मैं, कल आता हूँ। चल ठीक आता हूँ, ठीक है। मुझे ना एक अर्जेंट काम आ गया, आप ना बीजी को लेके निकलो, मैं सीधा वहीं मिलता हूँ आपको। यार तेरे रिश्ते के लिए तो जा रहे हैं, समझो ना आप, निकलो बीजी को लेके। मैं तो ये मुझे कहाँ से लेके आएगा, इसको तो अपने को होश नहीं है। तू ना टेंशन मत ले, तू अपना काम निपटा के आ, मैं लेके आता हूँ इसको। चल बेटे। जी मुझे क्या हुआ जी, मैं भी कम हाय आएगा भी की नहीं? ऑफकोर्स दादी, ना लेट लतीफ, मेरा तो सारा इम्प्रेशन ही खराब कर देता। आप कितने क्यूट लग रहे हो दादी। सुन जब तक सोगी नहीं ना आता, सानी मूछें संभालना है। उन्हें सामने पुट्ठी सीधी हरकत ना करी, वो तो हंस की गंदी जी बुद्धि बना रखी होगी। दादी आ गए, कैसे हो बीजी? ठीक हो बेटे? अंकल जी आपकी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा आओ जी, आओ जी, आओ जी, बैठो जी। थैंक यू जी। बैठो बैठो। ये मेरी दादी जी हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ी क्लासिक हैं दादी जी। मैं शौकी की दादी, ये उनकी डैडी। नमस्ते। मम्मी बाथरूम गई है, बस आती होंगी। सौगी कहाँ है अंकल जी?
बेटे वो थोड़े काम में फंस गया है, आता ही होगा जी। अच्छा, एक एक मारेंगे इतने में सोख गया जाएगा। अजी कप्पे आप तो घबरा गई। सौगी बिल्कुल भी नहीं लगता आपके जैसा अंकल। ये मेरा ही खून है, इट्स माय सन। वैसे जी अनु लगता है कि आप कहीं देखे देखे से लगते हो। देखा होगा जी, मैं तो हुई ही इतनी मशहूर। पुत्र ला मेरे विजिटिंग कार्ड। लो जी सारे रख लो, घर की बात है ना। जी मैं एक मिनट रेस्टरूम तो आ रहे हैं जी। हाँ जी, ड्रिंक्स में जाएंगे मैं। बुरी नहीं हुई बात तो पक्की हो जाने दे। तू पहले सेट कर देगा क्या? जा बाद में आना। बीजी वो सॉफ्ट ड्रिंक्स का पूछ रहा है। तो भाई इनसे पूछो आप क्या लेंगी आप। हेलो जी, हेलो जी, सानू भी ले लो। है जी, कल रात को तो आपने कमाल ही कर दिया। वैसे वो तो फ्लो फ्लो में। अच्छा जी, मैं तो नेक्स्ट पार्टी का वेट कर रही हूँ, इस बार भी मैं ही फर्स्ट आऊंगी, देख लीजिएगा। ठीक है जी, बाय। बैठे थे अपनी समझ नो, हेलो हाय तक कर ले। तेरे को आज ही सियापा डालना था डिलीवरी का। अरे सोगी भाई सख्ती बहुत है, ध्यान से जाइयो। वैसे कैसे अपने को ना कोई टच भी नहीं कर सकता, टाइम टू टाइम हफ्ता जाता है पुलिस वालों को। चाबी इतनी भी क्या जल्दी है, थाने में टीवी प्लेयर सब कुछ है, वहां चलकर सारे भाई देखेंगे एक साथ पिक्चर, मजा आएगा। आज तूने है पहचाना सोगी, तेरा थोपड़ा देख के लग रहा है अब पहचान गया तू। मैं साहब बराबर आज। हेलो जी, एक मिनट। क्या हुआ अंकल जी? अभी अभी आते हैं। आप ये अभी आपने खाया? बैठो जी एक मिनट। जी हाँ। क्या बात? अब तेरे चर्चे जमुना पार से जीके तक तो छोड़, पूरी दिल्ली में होंगे। नाच। सर हर हफ्ते ना टाइम पे किस्त पहुंचा देता हूँ, पूछ लो अपने हवलदार से। बोलना भाई सर, बस आज के दिन छोड़ दो। सौगी सर, सौगी पुत्र है। बीजी ठहर जा माता, ठहर जा ठहर जा, चल अंदर कर इनको, चल। सौगी क्या प्रॉब्लम है आपकी? हाय मेंबर जी, यही मिला था तेरे को, घर जाके जा इसको। माता ये सिखाया अपने बच्चों को, लोगों की गंदी फिल्में बनाता पकड़ा गया ये, लंबा जाएगा।
बीजी झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, किशोरिया मिलके मुझे फंसा रहे बीजी। ये बच्चों को बिगाड़ने में ना तुम बड़ों का ही हाथ होता है। अरे लोगों के रिश्ते कराती फिरती है, इससे पहले अपने रिश्ते संभाल लेती तो अच्छा रहता। बस भाई बस, ओली जे मेरे मुंडे ने कुछ भी हो गया ना तो आधा बस होए, वर्दी हमने भी पहनी है, फ्रंट पे हम भी गए हैं, समझाई? ले जाए, नहीं तो बाप बेटे दोनों का मुजरा कराऊंगा, वो भी तेरे सामने। रहने दे भाई, क्या कर लेगा तू? आजा 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 बाबू जी। घबराई ना बेटा, बाबू जी फिक्र करो अपने। अब डोंट माइंड अ बाबू जी। पापा जी वैसे उन्होंने मारा नहीं ना आपको, या आपने वो सीन ही डिलीट कर दिया? बाबू जी वो इतनी बेइज्जती कर रहा था हमारी, आप भी कह देते उसे उसकी बहन के करतूतों के बारे में, फिर देखा जाता। यार अगर ऐसा करता तो इसकी मैं के साथ रहने की जो बची कुछ उम्मीद थी वो भी रह जानी सी यार। तो फिर ये छूटे कैसे? की दसा यार। बाबू जी यार बताओ। नहीं फंस गए, गलती मेरी है, वो छोटा था तो नीलू जी चले गए, रोकना चाहिए। पुलिस वाले ना कहता था कि छोड़ूंगा नहीं। ऐसे कैसे नहीं छोड़ेंगे, मैं हूं ना। अब आपकी प्रॉब्लम आपके अकेले की नहीं है, सौ की उतना मेरा भी है जितना आपका है। प्रेम जी आई प्रॉमिस यू आज सौगी बाहर होगा। कैसे? वो आप मुझे छोड़ दीजिएगा। रुक गए मैडम, कहाँ जा रहे आप लोग? हटना है सर। मैडम रुक ही नहीं रही है। ओए माँ। पेपर मिल गया तुम्हें? फाइल कर दो जाके। जिप का लॉक अगर अभी भी ढीला है तो कम से कम डोर तो लॉक कर लिया करो। I must say one thing. टाइमिंग कमाल की है तुम्हारी आज भी। क्या करें? 8 साल में तुमसे यही तो सीखा, गलत टाइम पर गलत जगह पर होना। कोई इमरजेंसी आ गई थी या फिर एलिमनी के पैसे खत्म हो गए? तुम्हारे जोन का एक इंस्पेक्टर बढ़ाना इनके बेटे सौगी को पॉर्नोग्राफी के झूठे केस में फंसा रहा है, क्योंकि इनका बेटा उसकी भांजी से प्यार करता है। प्यार करता है? फिर तो ये पारिवारिक मामला हुआ ना, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? उसकी तो पिक्चर बन गई, अब पूरा शहर देखेगा। इन दैट केस ये भी दिखा देना। ठीक है। ये चीटिंग है ना? तुमने डिवोर्स के टाइम पे कहा था मोना कि तुम ये सब डिस्ट्रॉय कर दोगी, हाँ? चीटिंग की बात ना तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती, और वैसे भी पुरानी चीजें कई बार बहुत काम आ जाती हैं। ओल्ड इज गोल्ड यू नो। और ऐसा ना हो कि इन बाप बेटे के चक्कर में तुम फंस जाओ। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। हुँ? जी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बिचरे सारा डिपार्टमेंट देखे। वडाना फौरन ऑफिस पहुंचो, अर्जेंट। थोगी भाई, थोगी भाई आपको तो कूद डाला। मैंने इनके पैरेंट्स से मिल लिया। अच्छी आदत है पुत्र। हाँ भाई। बात कर रहा है। ए इक्को मत, चलो गाली निकालो। क्यों ना? ठीक है। निकर में रहकर समझ अपनी। आवे निकाल रहा हूँ। थैंक यू मैडम जी। भाई खोते, थैंक यू ना काम नहीं चलना। पार्टी देनी पड़ेगी। पार्टी तो बनती है।
रख ले पुत्र शगन है मना नहीं करीदा चलो जी आप लोग निकलो मैं आता हूँ वो तो हमारे साथ आएगा ना भाऊजी 15 मिनट में आ गया मैं एनू लेना है दसो पहले ये पहन ली समझ गया और थोड़ा थोपड़ा सुधार थैंक यू भाई थैंक यू 350 लिख लिया मेरे अकाउंट में तू यार 450 ले लियो पर अभी चल ले यार क्या बात है भाई पता लग गया कि तुम आज जी आ रहे हैं पूरा घर सजाया हुआ है निक्के हाँ तुम लोग यहीं रुको आ रहा हूँ ओ स्प्रिंग रोल चल अंदर थैंक यू जी थैंक यू मुझे प्यारियां शुरू कर दो बस जरूर जी अच्छा जल्दी मिलते हैं चलो जी जी वेरी वन आंटी जी वो छूट गया तुझे मैंने तो छूटना ही था ना मैंने कुछ किया थोड़ी है अच्छा वैसे मैं एक बड़े परेशान होगी नहीं आपको तो मैं मिल लेता हूँ एक बारी बेटा मैक से ना आप शादी के बाद मिलियो ठीक है चल शादी हाँ शादी हो रही है उसकी चल निकल यहाँ से शादी ऐसे कैसे शादी केविन भाग गई क्या ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे केविन क्या कर रहे हैं तू यहाँ पे क्या देख रहे हैं साले दफा हो जाए यहाँ से हट क्या हसलो पापा जी अच्छे से हसलो सिद्धू ही बन जाओ ना पूरे ठोको ताली यार तेरे पे थोड़ी हंस रही है इन जनरल हंसी आ रही है वैसे भी जब किसी गर्लफ्रेंड भाग जाती है ना बहुत हंसी आती है बाबू जी अरे पर क्यों कैसे किसके साथ भाग गई और क्या भसूड़ी पैक गई यार और एक सेकंड ऐसे कैसे भाग सकती है वो अभी तो उनकी मेरी मम्मी बनने का टाइम आया था एक सेकंड अगर वो नहीं है मेरी मम्मी तो कौन है बताओ पापा जी दस भाई वो जानने के लिए ना मुझे स्टोरी 9 महीने आगे बढ़ानी पड़ेगी क्या ओ तेरी चोच ठीक करा ली आपने और ये गाड़ी किसकी मांगी है वैसे ओ मांगने वाले दिन गए बांटने वाले आ गए थे तेरे भाई की ना मेरा मतलब है तेरे बाप की ना पहली गाड़ी थी ये भाई 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 अबे यार सोगी दुकान ना बंद होगी भाई ऐसे मत कर यार समझा कर अरे पिछली बार भी तेरे चक्कर में ना घर से बहुत डांट पड़ी थी और खाना नहीं मिला वो अलग भाई पिंचू अपना तेरा टू मच हो रहा है डबल पैसे ले लियो यार डबल ठीक है जेब में जितने सारे लूंगा और हाँ घर तक भी छोड़ना पड़ेगा भाई अब तो तुझे चांद तक भी छोड़ दूंगा तो जल्दी खोल क्या बात है भाई जैसे भाई तो यहाँ पे सारा दिन दुकान पे ना ऐसे निकल जाता है ठीक है भाई ये ले लव यू भाई मैं दुकान बंद करता हूँ फिर इकट्ठे चलेंगे मुझे याद कर रही है क्या ये देख फ्लेवर वाला लाया हूँ केले वाला क्या बात कर सोगी बेटा नहीं तो पापा सौगी यहाँ पे क्यों आएगा आपके सपने में आया होगा पापा बाप की बेटी तेरी जैसी हो नींद आ जाए वही बड़ी बात है बाप पहले आ जाता हर बार पापा आप ना बुढ़ापे पे सत्या गए हो कुछ भी बोल रहे हो अच्छा सौगी सोना एक बात बोलती यार मुझे लगता है प्रेग्नेंट हुआ ओए मिल गई मेरी मम्मी कंट्रोल कर यार कहानी तो पूरी सुन ले यार चढ़ाई ऐसी भी है तो कंट्रोल है तो बोलो नहीं हो रहा यार काके अरे ऊपर अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं हूँ देख अगर तू है भी ना तो तू टेंशन मत ले वैसे भी 2 दिन बाद हमारी शादी है ना तो कोई दिक्कत नहीं हाँ पर यार मन में बात अटकी हुई है यार मुझे कंफर्म करवाना है एक काम करते हैं ना कल शॉपिंग के बहाने डॉक्टर के वहाँ हो आएंगे यार इतनी फसल में कैसे जाएंगे हम यार तुझे फसल की पड़ी हुई है मेरे को ये बात कंफर्म करवाना है ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है चल ठीक है सो रहा तू चला गया क्या
यार चला गया तो तू भी सो जा और मुझको भी सोने दे। मुझे आपसे कोई बात करनी थी। कौन सी बात? वही जो बोलते हो पर बताते नहीं हो कभी। अंकिता मैसेज आ गया। कौन है जी? कौन है जी? सिद्धू साहब, उनका कोई काम है कल। कल कैसे कोई काम है? शादी की पूरी शॉपिंग बाकी है और मेरी लॉन्ड्री शॉपिंग के लिए भी तो जाना है। मेरा क्या काम है वहाँ पे? वैसे भी आप जो ही पहनोगे अच्छा ही लगेगा। पर अगर मुझे आपके पसंद का पहनना हो तो? और वैसे भी an order is an order, you have to come। ठीक है। अच्छा ये बताओ, पम्मी का क्या? ओ पम्मी ने तो डिसाइड कर लिया जी। क्या? वो नहीं रुकने वाली है। ये अच्छा। अब बताएंगे भी क्या बात है? कल बात करते हैं ना जी। क्या हुआ? परेशान हो? नर्वस हो? इट्स ओके, इट्स गोना बी फाइन। ओए किथे गए सारे? पेग सिंह। ओ मैडम जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, किदा? चंगा जी। ओ मैडम जी, प्लेट लगा दूं? आज तो भटूरे भी बहुत अच्छे फूले। देख के तो बढ़िया लग रहे। एक काम कर, आज तो तू मेरे लिए एक प्लेट लगा ही दे। अरे छोटू, एक प्लेट लगा, मैडम जी आई है। हां भी थापा, ओ तेरे चक्कर क्या भी? हां, ओ तू शादी के लिए गया था, तू बच्चे बुच्चे पैदा करके आएगा क्या? आज शाम तू नहीं आया ना तो समझ ले कल आके तूने अपना हिसाब करना है। सत श्री अकाल। इसका बस चले तो अपने चौथे वाले दिन भी सबको काम पे बुला ले। ओ ले ओए, कॉल सेंटर में आई है बे, कॉल इसको। तू अपनी जुबान घर पे छोड़ के आई है? तू क्या कर रही है यहाँ पे? क्या कर रही हूँ का क्या मतलब है? भूख लग रही थी, खा रही हूँ। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ? कैसी लग रही हूँ? छोले भटूरे खाओ, रसमलाइयाँ खाओ, कोके गोले पियो। फोन? वो किसका फोन है यार? खन्ना साहब। एक मिनट, मैं कुछ लाई हूँ आपके लिए। यार मैं बहुत बिजी हूँ, घर पे आके दिखाना, ठीक है? एक मिनट में। होल्ड करना जी। एक मिनट में दुनिया नहीं रुक जानी आपकी। अच्छा बोल, जल्दी बोल यार। हाँ हाँ जी खन्ना साहब। अच्छा ओ यार ऐसा है, मेरी बात सुनो आप। या तो मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री रसगुल्ले दे सकता हूँ या कॉम्प्लीमेंट्री रसमलाई। अच्छा और एक बात और सुनो, कैटरिंग के इमीडिएट बाद मेरी पेमेंट होनी चाहिए। ठीक है, सत श्री अकाल। इंग्लिश में है क्या? ओ पढ़ी यार, छेती कर। ऊंची आवाज में पढ़ ले, वैसे भी इनको कम सुनाई देता है। डर क्यों रहा? पढ़ के बता दे। ओ ला यार, टाइम्स पेपर है, टाइम्स पेपर। पम्मी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ओए नहीं जी, अभी तक तो दिमाग खराब नहीं हुआ है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि दिमाग खराब हो। इसीलिए ना मैंने डिसाइड कर लिया है कि तुसी अपने रास्ते ते मैं अपने रास्ते। देखो जी, अभी तक मैंने आपके साथ जितना टाइम काटा है ठीक ही था, लेकिन अब टाइम काटना नहीं है, टाइम को ना जीना है, खुल के जीना है। तो तुसी संभालो अपने छोले भटूरे, मेरा ना वैसे भी पेट भर गया है और मन भी, तो मैं चलती हूँ। अच्छा एक बात करना तो मैं भूल ही गई थी, आपके छोलों में ना हमारे रिश्ते की तरह थोड़ी कसर हमेशा रह ही जाती है, उसको तो करेक्ट कर लो, रिश्ता तो करेक्ट हो नहीं पाया है जी। ध्यान रखी, सत श्री अकाल। मुझे बड़ा लाइट लाइट सा फील हो रहा है। थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। क्या गल कर रहे हो यार पम्मी जी? हैं दोस्त हैं हम, नाले तुसी ते कहंदे सी सारा टाइम हैप्पी रहना चाहिए। ओ जी मैंने नहीं, आपने मुझे हैप्पीनेस और फ्रेंडशिप का मतलब समझाया। तो ठीक है ना फिर, दोनों हैप्पी हैप्पी। परसों मेरी शादी और आपका डिवोर्स, दोनों साथ में सेलिब्रेट करेंगे, क्यों जी? वो सब तो ठीक है, मगर आपने छिब्बर को दास के बारे में बताया?
ये ट्राई तो बथेरा कर रहा हूँ, हिम्मत नहीं हो रही। मुझे हिम्मत जुटाओ, छिपर को दास के बारे में शादी से पहले बताना जरूरी है, ना स्यापा हो जाना है। थोड़ी कुल टाइम वैसे ही बड़ा कम है। हाँ जी। टैक्सी गाड़ी रुको। क्या बात है बाबूजी, 9 महीने सही से यूटिलाइज किए हैं आपने। एक बात बताऊं, एग्जैक्ट 9 महीने का लग रहा है। वेल डन बाबूजी। वो तो ज्यादा ओवर फ्रेंडली ना हो, कंधे पे ध्यान दे। आप भी कुछ सीख लेते, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म नहीं हुई और यहाँ बाबूजी ने चाचा जी भी तैयार कर लिए। अब तो आगे क्या हुआ बताओ ना। अरे हेलो, कहाँ हो? बस यहाँ सिद्धू साहब के यहाँ से निकल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, आओ जरा मैं वेट कर रही हूँ। हाँ जी। सॉरी जी, रोक लिया था सिद्धू साहब ने। कोई बात नहीं, बताइए ना ये कैसा लग रहा है? अच्छा ही है जी। ये पैक कर दीजिए। मैं ना सोच रही थी कि अपनी लाइफ की नई शुरुआत करने से पहले पुराने सारे गिले शिकवे मिटा दूं। बड़ी चंगी गल है जी। और दास को भी इनवाइट कर। नौ महीने हो गए मैंने देखा नहीं उनको। क्या बोलते हो जी? जैसी आपकी मर्जी जी। चलिए फिर उनके लिए भी एक गिफ्ट ले लेते हैं, है ना? बताइए ना उनका साइज क्या होगा, ये आएगा क्या उनको? हाँ जी। आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। जी मुझे कैसे पता होगा? बात करने से आजकल कोई प्रेग्नेंट हो जाता है क्या? क्या बोल रहे हो जी? अरे आराम से रिलैक्स ना, अच्छे से बताइए ना कैसे हुआ ये सब, कहाँ हुआ? उसके बेडरूम में गए थे या होटल रूम में? जी जैसा आप सोच रहे हो ना, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। बहुत ही बड़े प्लेयर निकले आप सूबेदार साहब, आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे। अयो डार्सी मनु, आप ना मेरी बात समझ नहीं पाओगे। मैं बहुत दिनों से ना आपको बताने की कोशिश कर रहा था। क्या शादी पे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे आप मुझे? जी मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं किया मोना जी। मोना जी डोंट टच मी, डोंट टच मी। डू यू हैव एनी आईडिया व्हाट आई एम गोइंग थ्रू? नो यू डोंट। यू नो व्हाट, आई एम सो डन विद यू। मोना जी समझो जी, मेरी गल समझो यार प्लीज। छू ये मत मुझे। सर ये आपका पार्सल। मोना जी Happy birthday to you. Oh, happy yeah. birthday to you. Happy birthday dear Dada. Happy birthday to you. Pippi dadi. God bless you. Thank you. आप ना बड़े सही टाइम पे आए हो। क्यों? अब आप ही बता दो कि बाबूजी के दास आंटी के कान के बाद आप कैसे माने? मैंने तो पता था कल तक रुकना थोड़ी है आप लोगों को, है ना? यार बना यार दे लेइए की बना दे। ये लो जी अभी बनाता हूं। थैंक यू जी। वैसे मैंने मानना थोड़ी था, वो तो इन्होंने अपना ट्रिप का एक कचल दिया, मानना पड़ा। देख पुत्र, साइंस भी कहां कहां पहुंच गई है, पर ये बात लोगों को बताने में थोड़ी मुश्किल महसूस हो। फंस गए बीजी, लोगों को छोड़ और कोई समझे ना समझे, बस मोना जी को बात समझ में आ जानी चाहिए ना। मेरी बात नहीं मानेगी तो कुछ कर, तो
लोगों के रिश्ते करांदी फिरदी है अपने घर में भी तो वेख पुत्र मेरा छोटा सा परिवार है इस परिवार में दो खुशियां आ रही हैं मेरे दोनों बच्चों की शादी हो रही है मैं ये खुशी अपने हाथों से जाने दूंगी क्या कभी नहीं पीजी इन्होंने तो मेरी विश पूरी की है बहुत हेल्प करी है इन्होंने मेरी कहीं मेरी वजह से इनको कोई प्रॉब्लम ना हो जाए पीजी तू फिक्र ही ना कर पुत्र असि सारे तेरे नाल हां क्या दास जी आप भी ओ सुबेदारा ससिकाल पीजी ससिकाल जीते रहो बेटे जीते रहो हां भाई ये गल बड़ा चुप चुप लग रहा है यार तू बड़ा खुश है ससिकाल बेटे और मेरी बंगालन एक और है भाई बीजी पम्मी है जी और ये एना दी फ्रेंड है और मेरी फ्रेंड बन जाएगी हेलो जी हेलो जी इसकी शादी होगी कि नहीं नहीं जी बीजी बस ताजा ताजा डिवोर्स करा के आई हूँ सियापा ही मुक्या जी वैसे आपकी नजर में कोई चंगा मुंडा है तो दसो अजी बड़े बड़े हैं तुसी नजर तक घुमा के देखो कितने हो गए मैडम 450 450 में कैंसर का इलाज ना करा लूं मैं महंगा ही मजा रखी यार 11 नंबर पेशेंट अंदर जाइए क्या हुआ चल कोई नहीं तू टेंशन मत ले अरे भैया ये एग्जामिनेशन रूम किधर है सीधे जाकर आइए ठीक है सोनिया साले अरे सोनिया मारे गया साले हट ये कहां जा रही है यार अच्छा कुत्ते साले कमीने साले यार पता है हंसी नहीं आ रही अभी रोना आ रहा है हटो यार पापा जी आप पर नहीं खुद पर एक सेकंड तो अब मैं क्या सोनिया और उसके बॉयफ्रेंड का मतलब Who's your daddy? पापा जी आप हो ना मेरे पापा और ठंड रख यार जैसे मैंने रखी थी तू इसके साथ भागी थी मासी मासी मैं केविन के साथ भाग गई क्या तो अब तू मुझे ये मत बोलना कि इसने तुझे भी प्रेग्नेंट कर दिया है तुझे भी साले महक साले चीटर मैंने पता तेरा मन पा रही है बाबा जी ने मैनू हल्का करने के लिए भेजा है बस 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 रो ना टेंशन ना लो जी बीजी का सक्सेस रेट 100% है पापी जी जरूर मान जाएंगे बीजी आपके बेटे ने ना पागल बनाया मुझे
शादी की तैयारियां मेरे साथ की, प्यार मेरे साथ किया, लेकिन प्रेग्नेंट किया मेरी बेस्ट फ्रेंड दास को। जो तू सोच रही है वैसा नहीं है, तूने मुझे पहले बता दिया था। तू ये समझ, जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनि वरदान देते थे तो बच्चा हो जाता था। वाह बीजी वाह, आप कहना क्या चाह रहे हो कि आपका बेटा कोई ऋषि मुनि है जो यहाँ वहाँ वरदान बांटते फिर रहा है? वो तो समझ नहीं रही, उसने वरदान नहीं दास को थोड़ा प्रसाद दिया है। तुसी तो टेंशन ना ही लो जी, अगर छिब्बर नहीं मानी मैं तो रेडी खड़ी हूँ। ओ नहीं जी नहीं, भाभी जी जरूर मान जाएगी, तुसी ठंड रखो, थोड़ी कृपा साढ़े ते भी होन दो बाबा जी दी। अब क्या कहना चाह रहे हो बीजी? लोगों की हेल्प के लिए जैसे डोनेशन देते हैं ठीक वैसे ही प्रेम ने दास की मदद की है और कुछ भी नहीं किया। जी साफ साफ बोलो ना कि उसने स्पर्म डोनेट किया है। यही तो मैं तुम्हें समझा रही हूँ। फिर भी बीजी गलत तो किया है ना इन्होंने मेरे साथ, वो मुझे बता भी तो सकते थे। धोखा दिया है दोनों ने, मुझे दिया है कि नहीं आप ही बताओ बीजी। ये तेरी मैं बात मानती हूँ कि उसने गलत किया है, पर पुत्र शादी के बाद तू जितने मर्जी बदले ले लेना, मैंने तुझे कुछ भी नहीं कहना, पर इस वक्त मान जाना। देख इस वक्त ना हमने घोड़ी की बाजे की खाने पीने की सारी पेमेंट दे रखी है, मान जाना पुत्र। बस एक बात का अफसोस है, अगर हमारे वक्त में ये डोनेशन वाली स्कीम होती ना तो रिश्ते जोड़ने के साथ साथ ये भी बिजनेस ला लेती मैं। शादी भी करवाती और साथ बच्चे भी भेजती। जी आप ना पूरी एक ही दुनिया में। बाऊजी आप तो सेट हो गए, दादी मान गई, पर पापा जी आपका क्या हुआ और मेरा क्या हुआ? बस यार बाकी कंफ्यूजन ना कल तेरे बर्थडे पे क्लियर कर देंगे। बाऊजी यार सवेरे मिलने हैं यार, गुड नाइट भाई जी। इसे आधे में छोड़ के मत जाओ, बताओ ना कल मिलने हैं ना यार। दादी आप बता दो, आप तो मेरे साइड पे हो। सो जाओ, मैं भी बहुत थक गई हूँ, और मुझे तेरा नहीं पता, मुझे तो कल पार्टी में पटाखा लगना है। दादी यार ऐसे थोड़ी होता है यार, कल सीक्रेट खुलेगा। नहीं प्लीज अभी बताओ मिस बच्चे। गुड नाइट। गुड नाइट भी नहीं आएगी, बता दो ना। गुड नाइट यार, आप तो बता दो। चुप करो ए, आराम करने दे दादी और बाबूजी को और मुझे भी, कल के लिए भी कुछ छोड़ दे। मुझे तो आराम नहीं मिलेगा ना ऐसे। चुप यार, चिप्स को अंदर रख दो सील जाएंगे। गुड नाइट। पापा जी, पापा जी, पापा जी, हैप्पी बर्थडे पापा। पापा जी कहाँ हैं? थैंक यू पापा जी, पापा जी, पापा जी। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे? सुबह हो गई तेरी? प्रीपी दादी जीता रहे क्या? पापा जी कहाँ हैं? बाहर प्रोग्राम शुरू हो गया उनका। लेकिन तू सुन, पहले अपना किक चेक कर ले, लास्ट टाइम की तरह मुझे बिल्कुल मुनी बनना चाहिए। हाँ जी बाद में। और सुन जल्दी तैयार हो जा, लेट मत कर। सेल्फियां बाद में ले लेना यार, सस्पेंस फिल्म खत्म करो और बताओ कौन है मेरी मम्मी। बताता हूँ यार चिल कर, 18 का हो गया तू, बोतलें उठा पार्टी शार्टी शुरू कर, एंजॉय कर भाई। कोई पार्टी शार्टी नहीं होनी जब तक मुझे पता नहीं चल जाता मेरी मम्मी कौन है ना। हिलने वाला नहीं हूँ मैं यहाँ से, पर बताओ ना पापा जी। नज़दे यार इन्हें नहीं मानने का। क्या करना है इन ढोल वालों का, रखूं या जाने दूं? ढोल तो सारे खानदान का फट गया ना, अब तो चुप क्यों है? बोल क्या करना है इस चैप्टर का? पता नहीं यहाँ पे शादी से पहले सबको बच्चा पैदा करने की क्या आग लगी हुई है। आपको बच्चे पसंद है जी? आहो जी बच्चे तो बहुत पसंद है, पर मेरे अपने ही दो हैं बस जी, आप और नहीं चाहिए। वैसे तो हम भी बच्चे ही हैं। चलो कोई बात नहीं, एडवांस में घर में बच्चा आ जाएगा। मेरा बच्चा नहीं है बीजी। क्या सीधे सीधे बताना बात क्या हुई है अंकल? बीजी
सौगी सही बोल रहा है, ये सौगी का बच्चा नहीं है, वो केविन का है। केविन ने हम दोनों को चीट किया है, उसकी कोई गलती नहीं है, उल्टा मैंने सौगी को धोखा दिया है। ना, तुम्हें मेरा ही बच्चा मिला था पागल बनाने के लिए। बीजी आपने तो देखा था मेरे मामा को, वो मेरे बॉयफ्रेंड के पीछे पड़े हुए थे, उनका ध्यान केविन से हटाने के लिए मुझे सौगी के साथ ये सब करना पड़ा। मैंने सौगी को धोखा दिया और केविन ने मुझे और इसे भी। यार मुझे पता है कि मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया और शायद इसलिए मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। झूठे प्यार के चक्कर में मैं सच्चे प्यार को पहचान ही नहीं पाई सौगी। आई एम रियली सॉरी यार। यही तो है नहीं तुम आजकल के बच्चों में पहचान। मुझे देखो, सही समय पर पिशोरी लाल जी को छोड़कर इसके बाबूजी का हाथ पकड़ लिया। पहचान ना हो तो बंदा परेशान हो जाता है। अब तुम मुझे परेशान मत करो, जो भी डिसीजन लेना है अपने आप लो। अरे क्या हो गया? अरे कोई एम्बुलेंस को बुलाओ, नीचे दास को लेबर पेन हो रहा है। हैप्पी वाला बर्थडे टिड्डा पुत्र। हटो परे। ओ मिलने। आए मेरा सोना बंदा। थैंक यू। ओ हैप्पी बर्थडे। यार हैप्पी बर्थडे तो ठीक है, बट टाइम इतने आंदा यार। यार जप्पी ना पाले यार। बुलेट कैसे हो गई आज? इनके वजह से। मत नहीं किसे अप है। जब भी घर से निकलना होता है इनको प्रेशर बन जाता है। आप लोग प्रेशर की बात कर रहे हो या मेरा दिमाग फट जाएगा प्रेशर से। आगे बताओ। बोलिया सी ना, टाइम से पहुंच जाना है, सस्पेंस वाली खुल ही नहीं। कल 10 वैसे कहानी पहुंची कहां तक है? तो दास आंटी की चीख सुनने के बाद सब नीचे भाग गए थे। वहां तक। एक्सक्यूज मी, आपसे बात करनी है। हां जी। मिस्टर सिंह, वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट बट यूट्रस में ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है। शी डज नॉट हैव मच टाइम। वी आर रियली सॉरी। आपको बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, क्यों है? मेरा डॉक्टर। वाह जी वाह, मुबारक हो, मम्मी बन गए हो आप। इन्हों देखो निका जा टिड्डा, आंखें बिल्कुल आप जैसी हैं इसकी। थैंक यू नाल कुछ नहीं होना, उन बड़ी वाली पार्टी बनती है अब। सॉरी, आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाल के जा रही हूँ। विक्रम तो उसे नहीं देखेगा, पर आप। मुझे डॉक्टर कह रहे हैं कल आप डिस्चार्ज भी हो जाओगे। वैसे भी डॉक्टर पेशेंट के बेड में अच्छे नहीं लगते। जी पर भी शायद इसे एक्सेप्ट ना कर पाए, पर आप इसे सॉरी से कम मत समझेगा। ये अपनी माँ के बारे में पूछे हो तो क्या जवाब दूंगा? कह दीजिए, उसके माँ के पास प्यार तो बहुत सारा था पर टाइम नहीं था। आप तो बड़े ही मतलब ही निकले जी, काम होते ही जा रहे हो। उदास जी, उदास जी, उदास जी, आ
डॉक्टर साहब देखो ये पेशेंट नहीं मिस्टर टिंडा मिस्टर टिंडा हंसता है मेरे पे बच्चे टिंडे कोई तो तैयार नहीं होया हम तक बारात तो जाने वाली है यार किस तरह दी गल्ला कर दे यार जी हां दूल्हे दे बगैर जांदी है बारात मैं भी कबली हूं दूल्हा तो तू ही है खुशी में ना मेरे दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया ए चुप होए तो कुछ करा ना दूध पिला पिला के थक गया मैं ला मेरे को दे एक सेकंड पिशौरी की बात सुनाओ नहीं सुननी रो रहा यार तू कितनी चला गया मार के अंबा पिला रहा बस 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 फाड़ करो आधे करो ही जाता ओए ओए चुप करा चुप करा देख उसकी गोदी में जाके सारा ड्रामा बंद हो गया चुप हो गया जी वो पापा जी आप रेडी हो जाओ मैं संभाल रहा हूँ इसको यार तो किस किस को संभालेगा बीजी कितना सयाना हो गया ना साडा सौगी टिड्डे का माँ प्यो बन गया है प्यो की शादी करा रहा है अभी अपने बारे में भी सोच लिया कर मैंने सोच लिया बाबू जी मुझे ना अब किसी की जरूरत नहीं है मैं और टिड्डा ना काफी एक दूसरे के लिए आंखें मेरी मम्मी पर गई हैं, है ना पर दिल आप जैसे बिल्कुल नॉर्थी ऑल इन वन हो आप सेंटी हो जो मुझे सेंटी होना चाहिए रब जी ने मुझे एक मम्मी के जगह पर दो पापा जी दे दिए मुझे भी तो दो पक्कर दे दिए हैं यार बस भी करो हाँ तेरा हैप्पी बर्थडे भी तो मनाना है कि नहीं शुरू करें सेलिब्रेशन तो भी वो तो भी करेगा ओए वारी वरसी खटन गया सी ओए वारी वरसी खटन गया सी खटके ले आंदा ओ भंगड़ा ता सजदा जद Who's your daddy? Boy, does it? Who's your daddy?
लड्डू पौंदे अंदरों लड्डू फुटी जांदे हाय लड्डू फुटी जांदे बचदे सारे नी बोली ते बोली पांदे बचदे सारे नी उच्ची उच्ची गाउंदे बचदे सारे नी बड़ा थारा आ रहा हूं पता नहीं कौन पर हैप्पी बर्थडे टू मी अंकल जी सॉरी पापा जी मुझे मेरी मम्मी के बारे में पता चल गया है आप किसी को मत बताना मैं और रोई गोवा जा रहे हैं पापा जी मैंने लॉक किया मैंने रोई अंदर आ ऑटो वाला कहीं जाएगा तो बता रहा हूँ तेरे को रोई अंदर आ ठंड रखो यार मैं रहूंगा ना आपके लिए रम वो भी एक्सपेंसिव वाली सस्ता मिलता है फिर आप पीते रहना रोते रहना रोई रोई पापा गंदी बातें कर रहे पापा जी गंदी बात अब पापा जी Love you two, three, four. चलो भाई. भाई कहाँ नहीं जाएगा तू? बोली पांदे उच्ची उच्ची गाउंदे बड़ा खलारा पांदे